आज के हमारे इस सत्र का विषय है कला समीक्षा की चुनौतियाँ, यानी उस बाजू से भी देखिए ज़रा। तो इस विषय के झरोके से लेकर खिड़की और दरवाजे तक पहुँचने हमारे साथ कई नामचीन हस्तियाँ मौजूद हैं, उनका बेहद संक्षिप्त परिचय, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि आप संवाद सत्र के लिए और विषय पर जो हमारे मनीषी बैठे हैं उनके विचार जानने के लिए बेचैन होंगे। विख्यात कवि रचनाकार लीलाधर मंडलोई जी के संयोजन में होने जा रहे इस सत्र की अध्यक्षता रविंद्र त्रिपाठी जी करेंगे। रविंद्र त्रिपाठी जी फिल्म और थिएटर समीक्षक होने के साथ साथ खुद प्रिंट, टीवी, पत्रकार, नाटककार होने के साथ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी हैं। अशोक भौमिक जी हमारे साथ मौजूद हैं जो चर्चा में हिस्सा लेंगे, देश के विख्यात चित्रकार अशोक भौमिक जी, जिन्हें मास्टर ऑफ हैचिंग भी कहा जाता है। रंग यात्रा की अपनी हर सफलता का श्रेय अपनी माँ को देते हैं, ये बात मेरे दिल को भी बेहद छू गई, और कहते हैं मैंने साहित्य से सीखा है कि चित्र कहानी कहने का माध्यम नहीं है। प्रयाग शुक्ल जी हमारे साथ हैं, विख्यात कवि, कला समीक्षक, अनुवादक, संपादक। प्रयाग शुक्ल जी 5 दशक से जिनकी रचनात्मक सक्रियता हमें समृद्ध कर रही है। विनोद भारद्वाज जी इस मंच पर मौजूद हैं, चर्चित लेखक, कला फिल्म समीक्षक, इनका एक कविता और लघु कहानी संग्रह, कला और सिनेमा पर 10 से ज़्यादा किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, विदेश मंत्रालय, UGC, दूरदर्शन और धलिमल गैलरी आदि के लिए 30 से अधिक कला फिल्मों के सब्जेक्ट एक्सपर्ट रह चुके हैं विनोद भारद्वाज जी। और साथ में हैं सुदीप सोहनी जी, युवा हैं, कला समीक्षकों की इस बरादरी में कह सकती हूँ कि सबसे युवा और संभावनाओं से भरे हुए निहसो, क्योंकि इसी उपनाम से वो कविताएँ लिखते हैं। सुदीप कवि हैं, पटकथा लेखक हैं, निर्देशक हैं, रंगमंच, साहित्य और संस्कृति सुदीप का मैदान है। और इस सत्र के मॉडरेटर श्री विनय उपाध्याय जी, संस्कृति साहित्य मीडिया के आधुनिक परिदृश्य में सक्रिय। विनय उपाध्याय जी रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के निदेशक हैं और अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव विश्व रंग के सांस्कृतिक समन्वयक, और इस वक्त वर्तमान में जो उनकी जिम्मेदारी वो इस सत्र के मॉडरेटर की है। तो अब कमान सर आपके हाथों में, विनय सर। तो दिव्य सज्जनों, साहित्य और कलाओं के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव विश्व रंग की कला उत्सव के 30 दिन की आज ये सुबह की सभा है, सुबह का सत्र है, और आप सब विश्व रंग से बहुत गहरे वापसता हैं कि इसके तमाम रंगों में जिस तरह से हमने साहित्य और कलाओं से चुनकर एक इंद्रधनुष वितान रचने का प्रयत्न किया है, उपक्रम किया है, और उसके चलते जो विषय निर्धारित हुए हैं हमारी विश्व रंग की जो हमारी जो सलाहकार समिति है उसने लगातार लगभग 3-4 महीनों के अपने बौद्धिक श्रम के माध्यम से जिन विषयों को चुना है ये वो विषय हैं जो कि हमारे विश्व रंग के पूरे ताने बाने से बहुत गहरे तक जुड़े हैं। विश्व रंग की मंशाएँ, विश्व रंग का उद्देश्य, विश्व रंग के स्वप्न, इन तमाम विषयों के आसपास एक नए विमर्श को खोलते रहे हैं। आज विश्व रंग की आवृत्ति में जो विषय है हमारा कला समीक्षा की चुनौतियाँ। जब हम विश्व रंग को एक बड़े कला उत्सव के रूप में देखते हैं, एक बड़े सांस्कृतिक जलसे के रूप में देखते हैं, तब ये भी देखा जाना बहुत ज़रूरी है कि साहित्य और कलाओं के जिन रास्तों से गुजरते हुए हम प्रेम और करुणा की बात करते हैं, मनुष्यता की बात करते हैं, इन सारी चीज़ों को कलाओं में और अपनी रचनाधर्मिता में जज्ब करने वाले हमारे जो रचनाकार सृजनशील हैं वे किस तरह से हस्तक्षेप करते हैं, और उन तमाम चीज़ों से जो हम पूरी की पूरी एक लोक संप्रेषण का तार जो जोड़ते हैं कि अंततः कलाएं तो मनुष्यता को संबोधित हैं, यानी इंसानी दुनिया को संबोधित हैं, यानी हम सबको संबोधित हैं, तब इन तमाम कलाओं के चरित्र को ठीक से देखा जाना, कलाओं के संसार को ठीक से देखा जाना बेहद ज़रूरी लगता है। क्या है हमारे कलाओं का मंतव्य, क्या है हमारी कलाओं का मर्म, और इस मर्म को जब जनता के बीच यानी पाठक या श्रद्धा के बीच पहुंचाने की बात आती है तब हमारे कला समीक्षकों की या कला समीक्षा की जिम्मेदारी को भी बहुत गहरे से देखना हम सबका बड़ा दायित्व हम मानते हैं। आज हमारे बीच में जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पूरी हिंदी पत्रकारिता से बहुत गहरे तक जुड़े हुए एक लंबा सरोकार रहा है, जिनकी लंबी यात्रा रही है, ऐसे हमारे वरिष्ठ कला आलोचक
विनोद भारद्वाज हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं विनोद भारद्वाज जी का स्वागत करता हूं। प्रयाग जी, आप सब जानते हैं कि लगातार पूरे एक देशव्यापी पहुंच उनकी हमारी पूरी सांस्कृतिक जगत में हम देखते हैं। प्रयाग जी का भी स्वागत है। अशोक भौमिक जी, यूं तो हम को एक चित्रकार के रूप में, कला गुरु के रूप में देखते हैं, लेकिन वे प्रथमतः एक बहुत अच्छे लेखक हैं, कवि हैं, कथाकार हैं और कला आलोचना के क्षेत्र में भी गाए बगाए उनकी दस्तकें, उनकी आहटें हम सब महसूस करते रहे हैं। आदरणीय रविंद्र त्रिपाठी जी, बहुत सारे अखबार पत्र पत्रिकाओं में हम उन्हें पढ़ते आए हैं, चाहे बात संगीत की हो, चाहे नृत्य की हो, चाहे चित्रकला की हो, यानी तमाम ललित कलाएं, उनको देखने परखने की एक चेष्टा उनकी लगातार कई वर्षों से बनी हुई है। त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि शिफाली ने परिचय में कहा कि हमारे आज के इस पैनल में सुदीप सोनी की उपस्थिति बिल्कुल एक बिल्कुल आते हुए युवा की ऐसी उपस्थिति है जिसने बहुत गंभीरता के साथ में पूरी कलाओं के संसार को देखने का उपक्रम किया है, कोशिश की है, और यूं वो सिनेमा के अनुशासन से आते हैं, लेकिन सिनेमा की दुनिया में आने से पहले सुदीप ने बाकायदा हमारी पूरी ललित कलाओं के संसार को अपनी कौतूहल और जिज्ञासा से देखना परखना शुरू किया है। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पंचरंगी विन्यास है, और छठवां मैं अपने सवालों के साथ इसमें शामिल होने जा रहा हूं। मैं सबसे पहले पुकारना चाहूंगा आदरणीय विनोद भारद्वाज जी को। विनोद भारद्वाज जी, आप सब जानते हैं, यहाँ बैठे हुए बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि आज संगीतकार भी हैं, चित्रकार भी हैं, नर्तक भी हैं, हमारे साहित्यिक विभिन्न विधाओं से जुड़े रचनाकार भी हैं, तो शायद ही ऐसा कोई होगा जो विनोद भारद्वाज जी की चहलकदमियों से वाबस्ता न हो। विनोद भारद्वाज जी ने कलाओं के लिए लिखा, कविताओं के लिए लिखा, कथाओं के लिए लिखा और खुद पढ़े एक उपन्यास कथाकार भी हैं। मैं चाहूँगा सर कि आप हमारे आज के विषय पर बीज वक्तव्य में कह सकता हूँ कि वो आपका ही होगा और उससे दिशाएं खुलेंगी, जो ध्वनियाँ निकलेंगी वो हम सबको विवश करेंगे कि हम भी उसके आसपास आवाजाही करें। सर, सबसे पहले तो हमें बताएं कि कला समीक्षाओं की ज़रूरत क्यों है और कला समीक्षा का कर्म किस उत्तरदायित्व से भरा है, और लगातार लगभग 5-6 दशकों की यात्रा के दौरान आपने इस विषय को किस तरह से देखा है। स्वागत सर। देखिए, मैंने जब कला की दुनिया में बहुत छोटी उम्र में ही प्रवेश इसलिए हो पाया कि हम लोग कविता की एक पत्रिका निकालने की योजना बना रहे थे लखनऊ में, ये बात है 1967 की, और हमारे बीच में प्रख्यात प्रिंट मेकर कलाकार जयकृष्ण मौजूद हैं, और उस समय हमने जयकृष्ण की मदद से आरंभ पत्रिका के जो 6 अंक निकाले थे वो एक कला कविता के एक बिल्कुल नया रूप था वो। और उस समय, मतलब आप सोचिए, मैं तो 18 साल का था, और जयकृष्ण मुझे, अभी चर्चा भी हो रही थी आज, कि ट्रेडिल मशीन पर जो लीनो कट से 6-5 रंग के जो कवर खुद खड़े होकर के जयकृष्ण और मैं वो छपते थे, एक एक ब्लॉक टूट ना जाए तो उसके लिए बहुत ध्यान देना पड़ता था। तो इस तरह से मेरी ट्रेनिंग उस समय एक बहुत छोटी उम्र में सीनियर लोगों के बीच हुई, क्योंकि कई बड़े कलाकार वहाँ आते थे, संतोष, केजी सुब्रमण्यन, तो उनके साथ थोड़ा संगत का मौका मिला। और चूँकि कविता और कला का रिलेशन बहुत गहरा है, रहा है इतिहास में, दुनिया भर के इतिहास में रहा है, अगर आप देखिए तो चाहे पोलिश भाषा हो, जेबिग्न्यू हर्बर्ट हो, या फ्रेंच हो, जिसमें तो खैर फ्रेंच में तो बॉदलेयर ने भी लिखा है और एपोलिनेयर ने लिखा है, तो इस तरह से हर भाषा में, हिंदी हो, बंगला हो, तो कला पर लेखन कवियों द्वारा बहुत हुआ है, जो शायद कहानीकारों ने इतना नहीं लिखा होगा, लेकिन कवियों ने ज़रूर कला पर लिखा है। हिंदी में भी मतलब प्रयाग जी के अलावा हम सब लोग के 10 लोग मैं नाम गिना सकता हूँ जिन्होंने थोड़ा बहुत कला पर लिखने की कोशिश की या रेगुलर काम किया। लेकिन जो मुझे, मेरा अनुभव था शुरू में जब मैं पढ़ रहा था, तो एक हर्बर्ट रीड जैसे आलोचक उन दोनों लोगों के आदर्श थे, लेकिन मैं ब्रिटिश काउंसिल के मेंबर था और वहाँ पर न्यू सोसाइटी आती थी, जॉन बर्जर का कॉलम
उसमें एक छपता था, उस कॉलम से मैंने कला पर लिखना सीखा है। और उनकी एक बीबीसी की 4 फिल्में थी वेज ऑफ सीइंग, जिस पर उनकी किताब जो है वो तो आज दुनिया भर में स्टैंडर्ड है आर्ट राइटिंग का, क्योंकि उसमें उन्होंने न्यूड के कंसेप्ट पर, लैंडस्केप के कंसेप्ट पर बिल्कुल नए ढंग से लिखा था। तो जॉन बर्जर की भाषा बहुत मुझे पसंद आई, क्योंकि वो जलेबी नहीं बनाते थे, वो बहुत क्लियर बात करते थे, जो कि मैं समझता हूँ कला समीक्षा की एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, कवि लोग जब कला समीक्षा लिखते हैं तो एक खतरा ये भी है कि वो कविता लिखने लग पड़ते हैं, एक इमोशनल रिस्पांस होती है। एक बार रघुवीर सहाय मेरे साथ लखनऊ में, बहुत उन्हीं दिनों की बात है जब वो कृष्णान कक्कड़ वहाँ उनके मित्र थे कवि और आलोचक, उन्होंने एक प्रदर्शनी की थी, तो रघुवीर सहाय ने कहा, वो मेरे साथ गए वहाँ, कि मुझे लगता है विनोद जी कि हमें आज भी कला पर इमोशनल होकर लिखने की ज़रूरत है। तो कवि जो लिखते रहे हैं उसमें मेरा ये मानना है कि आर्ट हिस्ट्री और स्टूडियो में जाके कलाकार से गहरा संवाद, क्योंकि एक बहुत प्रसिद्ध समीक्षक हैं लूसियन गोल्डमैन, उनकी थ्योरी थी द रोल ऑफ क्रिटिक एज मिडवाइफ। उनका कहना था कि क्रिटिक जो है वो दाई की तरह है, जो बच्चा खुद नहीं पैदा करती है लेकिन बच्चा पैदा करने में मदद करती है। तो एक बार ये बात मैंने एक जगह कही तो गीता कपूर, जो कि अंग्रेजी की प्रख्यात समीक्षक हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि विनोद, तुम कलाकार के पेट में तो बहुत कुछ होता है, तो कहाँ कहाँ निकालोगे, दाई का काम कैसे होगा। तो मैंने कहा यही कला समीक्षा की चुनौती है कि आप उस पेट में बहुत कुछ है लेकिन वो रेलिवेंट क्या है उसको निकालना आपका काम है। मतलब वो जाकर एक प्रदर्शनी में देख के काम नहीं चलेगा। हम लोगों ने कैसे लिखा, जब मैं दिल्ली आया तो हिम्मत शाह मेरे घर के बहुत पास में ही रहते थे, मैं उनके पास संडे को अक्सर सारा दिन वहीं जाके बिताता था। तो हम लोगों ने कला पर लिखना शुरू किया कलाकारों के स्टूडियो में जाकर, घंटों बैठकर, या घड़ी उन दोनों बहुत सक्रिय था, जहाँ एक साथ मतलब कृष्ण खन्ना, स्वामीनाथन, संतोष और मंजीत बाबा, अमिताभ, मृणालिनी, यानी आज के जो सारे चर्चित लोग हैं वहाँ पर आते थे, काम करते थे। मैं और प्रयाग जी तो पता नहीं वहाँ कितनी बार जाते थे, क्योंकि दिनमान में हम लोग को बहुत बंधन नहीं थे नौकरी के, रघुवीर साहब ने छूट दे रखी थी काफ़ी, ये मान के कि हम अगर जाएंगे भी कहीं तो कुछ ना कुछ लेके आएंगे। तो इस तरह से वो जो दौर था, एक तो उन दोनों कलाकार बहुत, हमारे जो भारत के प्रख्यात कलाकार भी इजीली वो क्रिटिक के साथ संवाद करते थे, जैसे हुसैन साहब थे, हुसैन साहब से बात करना, उनसे संवाद करना बहुत आसान था, जबकि उनका इतना नाम था। और मैं तो उनको 2010 में जब लंदन में मैं मिलने गया, उनके मृत्यु से करीब 10 महीने पहले, तो मैंने फ़ोन किया और उन्होंने फ़ौरन कहा कि अभी आ जाओ। तो मतलब वो 95 साल की उम्र में भी वो तमाम पुरानी चीज़ें याद कर रहे थे, और उनसे मैंने कई सवाल किए थे। तो एक जो सौभाग्य हम लोग का था कि कलाकारों से सीधा संवाद आसानी से था, जो कि आज कला बाज़ार की सफलता ने एक मुश्किल पैदा कर दी है। आज अधिकांश कलाकार कई बार तो बैंक के मैनेजर लगते हैं, उनके साथ संवाद बहुत कम हो पाता है, और उनके पीए वगैरह, उनसे आप संपर्क कीजिए तो समय मिलेगा। तो आर्ट क्रिटिक की भूमिका थोड़ा बदलती जा रही है। सूजा ने एक बार, 84 की बात है, मैं जीवन गेस्ट हाउस में उनसे एक इंटरव्यू करने गया था, तो बोले कि मैं रिचर्ड के घर गया था, और जो कि प्रख्यात क्रिटिक, लेकिन उनके घर में कोई पेंटिंग ही नहीं थी। बोले कैसे क्रिटिक हो आप लोग, बोले आप वेस्ट में जाओ, क्रिटिक के पास कितनी पेंटिंग होती हैं। तो मतलब उनका क्या है, देखिए इसमें सवाल पेंटिंग होने का नहीं है, सवाल है आपस में संवाद का। अगर अमेरिका में जो भी बड़े आर्टिस्ट थे उस 40s 50s में,
वो सब जो है क्लीमेंट ग्रीनबर्ग या हैरल्ड रोजनबर्ग की राइटिंग के, जब देखिए कला में, जब मैं प्रयाग जी से अभी कल बात हो रही थी कि कला में जब पैसा नहीं था हम तब भी कला में थे, पैसा आ गया हम तब भी कला में थे, फिर पैसा फिर चला गया जब वो लहमान की बैंक का हुआ तब भी हम कला में थे। तो यानी कि हम लोग इसलिए नहीं कला में आए थे कि इसमें पैसा बहुत है। तो वो जो एक हैरल्ड रोजनबर्ग को भी मौका मिला, जब उनके कलाकार सफल हो गए तो उन्होंने क्रिटिक्स को भी साथ दिया। लेकिन हमारे यहाँ देखिए हिंदी में एक सबसे बड़ी समस्या मैंने ये देखी है कि जो लोग लिखते हैं उन्होंने दुनिया जाकर ओरिजिनल पेंटिंग बहुत कम देख पाए हैं। उसका कारण ये है कि हमारी संस्थाएं कोई मदद नहीं करती हैं। जो कला की भाषा है, जैसा मैंने जब यहाँ 11 तारीख को दिल्ली में विश्व रंग का शुरुआत हुई थी, वहाँ भी मैंने ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं अंग्रेजी ही देवभाषा है कला की, हिंदी नहीं है। जबकि हिंदी में लिखना बहुत मुश्किल है। अगर आप परसेप्शन शब्द को हिंदी में लिखना चाहेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कैसे एक्सप्रेस करें। मैं अंग्रेज़ी में अगर लिखना शुरू करता तो आज मेरे लिए लिखना आसान था, क्योंकि हिंदी में आपको लिखने में सारे कंसेप्ट बनाने पड़ते हैं। तो एक चैलेंज है। लेकिन एक बार NGMA में कुछ आर्टिस्ट क्यूरेट करने के लिए विदेश जा रहे थे, शमशाद हुसैन भी गए थे, तो मैंने उनसे कहा क्या एक ही तो मौका मिलता है कि क्रिटिक बाहर जाकर के काम देख सकता है, लेकिन आप लोग वो भी नहीं मौका दे रहे हो, आर्टिस्ट जा रहे हैं वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं इसलिए आपको आधुनिक कला को समझना है। अब जैसे जिसने लास मेनिनास नहीं देखी है प्रादो में जाकर मैड्रिड में, लास मेनिनास जैसा पेंटिंग उसको देखने के लिए पता नहीं कितनी बार जाने की ज़रूरत है। पिकासो ने कभी वेलास्क्वेस की ये बड़ी प्रसिद्ध पेंटिंग है, और वो पिकासो ने उसको करीब 100 वर्जन बनाए थे उसकी लड़की के जो उसके केंद्र में है, और मैंने वो भी देखे थे एक प्रदर्शनी में। तो इन चीज़ों को ओरिजिनल देखे बिना किताबों से, पॉल क्ले की पेंटिंग, हम जब स्वामीनाथन बहुत बात करते थे पॉल क्ले की, तो हम लोगों ने पॉल क्ले को जो किताबों में देखा, और जब पहली बार मैंने ज्यूरिक में एक म्यूजियम में पॉल क्ले को देखा तो बहुत फर्क था सारा। हम उनका जो आकार समझते थे वो आकार भी नहीं था। तो कला समीक्षक की चुनौतियाँ एक तो जनरल हैं, यानी अंग्रेजी हिंदी बंगला किसी भाषा की भी हैं, और हिंदी की वो और ज़्यादा हैं। और आज ये स्थिति है कि कला में चूँकि पैसा आ गया है, लेकिन उस पैसे को सदुपयोग करने की ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके लिए संस्थान जैसे अब अशोक भौमिक ने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि हिंदी में अच्छी किताबें, स्तरीय किताबें छापेंगे, और वो मोनोग्राफ से शुरुआत भी हुई है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो भी कह रहे थे मुझसे कि लेखक मेहनत बहुत कम करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप उनको सुविधाएं भी दे रहे हैं, अच्छी छपाई भी करवा रहे हैं, लेकिन वो इतना, चूँकि किसी कलाकार पे रातों रात आप नहीं लिख सकते, बहुत काम करना पड़ेगा आपको, बहुत उसको मतलब पूरे इतिहास को जानना पड़ेगा, उसके बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा। फिर यह है कि फैमिलीज जो हैं, जो लोग नहीं हैं कलाकार, वो लोग दस्तावेज़ों को ठीक से संभालते नहीं हैं। आपको वो सारा डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। डॉक्यूमेंटेशन, अभी मेरी विवेक से बात हो रही थी कि बहुत सी चीज़ें जो कि उन दिनों बहुत महत्वपूर्ण थी, जब ये ट्राइबल एरियाज में गए थे यंग लोग स्वामी के नेतृत्व में, तो वो चीज़ें सारी रिकॉर्ड नहीं कर, उस समय नहीं उनका महत्व समझ में आ रहा था। हालांकि बहुत सी चीज़ें वहाँ भारत भवन में हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने इधर राइटिंग से अधिक फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ, क्योंकि मैं गाडे के घर गया बॉम्बे में, तो मुझे देखा कि बहुत कुछ सामग्री उनके घर पर थी जो कोई जानता ही नहीं है। मैंने सैफरन वालों से कहा कि आप जाइए वहाँ पर और जाकर देखिए, आप चीज़ें इकट्ठी कीजिए, क्योंकि इस परिवार के बाद अगली पीढ़ी शायद उनको फेंक दे, या उनको ऐसा बहुत सी जगह से। वो कह रहे मुझे जो गाडे के बहू ने बताया, जो कि बड़ी अजीब बात थी, वो बोले कि हमारे घर पे उन दोनों PAG के आर्टिस्ट जो थे, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के,
ओरिजिनल आर्टिस्ट बहुत ही महान थे सबके, रजा हुसैन, तुजा गाडे और बाकरे, तो इस तरह से वो लेवल एक अलग था आरा, तो वो उनके घर में काम छोड़ दिए गए थे। तो रजा चले गए पेरिस और सुजा चले गए लंदन, तो उससे ये हुआ कि वो दीमक लग गई उन कामों को। आप सोचिए कि वो पता नहीं मतलब कीमत के हिसाब से तो करोड़ों का काम है, आज उन सबको जलाया गया क्योंकि दीमक लग गई थी। ठीक से मैं समझ रहा था ये आज नहीं होता होगा, लेकिन मैं गाड़ी की बेटी के घर गया तो मालूम पड़ा एक वाटर कलर है लेकिन वो नीचे कहीं रखा हुआ है बेसमेंट में, उसे लेकर आए, हमने कहा उसको फोटोग्राफ करेंगे, तो उसमें दीमक लगी हुई थी, ऑलरेडी उसमें दीमक घूम रही थी। तो इन चीज़ों को यानी कि जबकि कला की कीमत हो गई है तो भी परिवार वाले ठीक से नहीं देखते हैं, तो मुझे लगता है कि कला समीक्षक की जो कला समीक्षा की चुनौतियाँ एक नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो लगभग बाकी वक्ताओं के लिए बहुत कम समय रह जाएगा, इसलिए मुख्य बात जो है मैंने जो कहनी थी वो यही है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद विनोद भारद्वाज जी। बहुत ही कुछ ज़मीनी सच्चाइयाँ इस विषय से जुड़ी थी, कुछ विसंगतियाँ, और कला समीक्षा के क्षेत्र में आने के पहले जो तैयारियाँ आपकी क्या होनी चाहिए एक कला समीक्षक की, उसका अपना एक जो मानसिक धरातल है वो क्या हो, इन तमाम चीज़ों पर विनोद भारद्वाज जी ने बखूबी खुलासा किया और एक ज़मीन तैयार की। मैं ये देखता हूँ कि कला समीक्षक का जो काम है वो बहुत गहरे दायित्व से भरा है, जैसा उन्होंने भी कहा, और जब हम एक कला समीक्षक से अपेक्षा करते हैं कि वो चित्रों को भी ठीक से समझ ले, वो संगीत को भी ठीक से समझ ले, वो नृत्य को भी समझ ले बहुत ठीक से, वो रंगकर्मी की आत्मा को भी पहचान ले, तो इतनी सारी अपेक्षाओं के साथ जनता के या पाठक के सामने या श्रद्धेय के सामने एक कला समीक्षक खड़ा होता है। अब ये सारी की सारी चीज़ें तैयार करने के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी निष्ठा की ज़रूरत होती है, और जैसे कि कहा कि उसके पास अपना एक संदर्भ कोश भी होना चाहिए, तो ये बिल्कुल निजी निष्ठाओं और दिलचस्पियों और त्याग समर्पण के बगैर कला समीक्षा का काम संभव नहीं है, ये तो हमको बिल्कुल बहुत गहराई से समझ लेने की बहुत दरकार होती है। और अक्सर हम इस बात को देखते हैं कि जिस तरह से एक सरदय, एक रसिक, सामान्य सरसिक जिस तरह से कलाओं को देखता है, तो अक्सर हम देखते हैं कि एक पर्यटक की तरह वो देखता है, एक जिज्ञासु की तरह वो शायद देखता है कि नहीं देखता है, यह अलग बात है। तो उसके भीतर जिज्ञासाएं पैदा करना, उसके प्रति कौतूहल जागृत करना और उसके प्रति एक पूरा का पूरा एक सकारात्मक वातावरण पैदा करने की भूमिका भी हमारे कला समीक्षक की होनी चाहिए। अब बदलते परिदृश्यों में जिस तरह का चरित्र, जिस तरह का आचरण हमारे कला आलोचना का हो गया है, उस पर भी हमारे विनोद भारद्वाज जी ने इशारा किया, लेकिन मैं ये कह रहा था कि केवल चित्रकला तक हमारी बातचीत सीमित नहीं है, हमें संगीत को भी ठीक से देखना है, हमें नृत्य के संसार को भी देखना है, हमें रंगमंच के आसपास होने वाली गतिविधियों को किस तरह से हमारा एक कला आलोचक हमारे उन रंगकर्मियों या उस रंग प्रेमी समाज तक पहुंचाता है, इसको भी देखने की ज़रूरत है। प्रयाग जी, मैं तो आपको देखकर ही, आपको पढ़कर ही बहुत सारा मैंने जाना, अपनी दिलचस्पियां रही, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हम आपके बाद की पीढ़ी के इस तरह आकर्षित हुए, और जिस तरह से आपने देखा न केवल आप चित्रकला बल्कि आप संगीत के कार्यक्रमों में समारोह में जाते रहे, मैं देखता रहा हूँ कि आप रंगमंच के तमाम उस बिरादरी के आसपास भी उठते बैठते रहे, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पत्रिका रंग प्रसंग के तो आप संपादक भी रहे हैं, कई सारी पुस्तकें किताबें लिखी और हज़ारों की तादाद में आपने आलेख लिखे। आप इस कला आलोचना के इस दायित्व को, इस काम को किस तरह से देखते परखते रहे हैं, और जो आज जो जनरेशन आ रही है इस क्षेत्र में उसको लेकर आपकी क्या अपेक्षाएं हैं और उनके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? आपका स्वागत है। विनोद जी ने बहुत सुंदर बातें कही हैं और हम लोगों का बहुत साथ रहा है, हमने साथ साथ बहुत सारे काम किए हैं, उन्हें अच्छी एक भूमिका निश्चय ही बनाई है और हमारे लिए सुविधा भी कर दी है कि उन बातों को दोहराऊं नहीं। सच बताऊं आपको, इन दिनों जो सबसे बड़ी चुनौती मुझे अपने केस में लगती है वो ये है, और ये सबके ध्यान रखने वाली बात है, कला समीक्षा के साथ एक बड़ी चुनौती तो ये है,
अगर आप एग्जीबिशंस की भी रिव्यू कर रहे हैं, म्यूजियम्स पर लिख रहे हैं, जो कि लिखना ही चाहिए, कला समीक्षा की शुरुआत ही वहीं से होती है, तो आप पाओगे कि फिल्म आप बैठ कर देखते हो, नाटक आप बैठ कर देखते हो, सिनेमा आप बैठ कर देखते हो, संगीत आप बैठ कर सुनते हो, नृत्य आप बैठ कर देखते हो। केवल कला ही वो संसार है, वो समुद्र है जिसमें आपको खड़ा रहना पड़ता है। तो अब ये मेरे बहुत सारे मित्र यहाँ से भी यूसुफ को, और मैं देखिए जानबूझ के इसलिए खड़ा भी हो गया हूँ, मैं ये मानता हूँ, अब मैं 82 साल का हूँ, तो आप ये समझ सकते हो कि अब मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं किसी प्रदर्शनी में जाऊँ और अगर एक मिनट भी दूँ, एक मिनट से कम आप क्या दोगे, अगर 30 कृतियाँ हैं तो आधा घंटा हो गया, आधा घंटा मैं खड़ा नहीं हो सकता। दूसरा ये कि मैं चल भी नहीं सकता उतना, क्योंकि कला को आप, उसकी दूसरी चुनौती ये है कि आपको मूर्ति शिल्प को छोड़ दीजिए, क्योंकि मूर्ति शिल्प को तो कभी कभी आप छू भी लेते हैं, ऐसे अगर वो धातु में बना है, पत्थर में बना है तो, लेकिन चित्र को आप छू नहीं सकते। इसका क्या अर्थ हुआ? और इसके आकर्षण में ही मैं आपको सच बताऊं, चीज़ है जो मुझे कला समीक्षा की दुनिया में, कला की दुनिया में लगातार चलाती रही है। कितना एक अद्भुत चमत्कार है कि आप एक कृति को छू नहीं रहे, उसके पीछे नहीं जा रहे, और उसको कई कोणों से आपको देखना है, एक कोण से देखकर आप नहीं लिख सकते, क्योंकि कहीं मान लीजिए रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो आप दूसरी जगह जाओगे। तो मैंने बताया ना कि मैं अगर 82 साल का हूँ तो इसको भूलता नहीं हूँ कि कम से कम 20 बरस में खड़ा रहा हूँ। और ये देखिए सच्चाई इसलिए है कि विनोद जी ने भी बताया, हमारे बड़े संग्रहालयों में, हमारे अपने संग्रहालयों में भी, आप किरण नाडार म्यूजियम में जाइए, अभी मैं गया था और कुछ अफसोस के साथ ही लौटा था कि सोमनाथ होर की इतनी बड़ी प्रदर्शनी लगी हुई है, अनुपम जी की प्रदर्शनी लगी हुई थी, तो अनुपम सूद को तो मैं जानता हूँ वर्षों से, जब से वो पढ़ाती रही हैं, और हम उनके घर में भी अभी भी एक बार तो गया ही, हालांकि दिल्ली से थोड़ा बाहर रहती हैं। तो अब आप ये देखो कि जो विनोद जी ने कहा कि आपको कलाकारों के साथ रहना है, ये देखनी है, उनके विचार सुनने हैं, ये एक ऐसा आपसी संवाद है असल में कला समीक्षा, किसी और दूसरी तरह की समीक्षाओं से बढ़कर, क्योंकि उसके बिना वो पूरी हो ही नहीं सकती। विनोद जी ने बहुत सही बात कही, आप इस, जब तक आप एक कलाकार के जीवन को बहुत नज़दीक से नहीं जानते, आप बहुत प्रामाणिक ढंग से उस पर नहीं लिख सकते। आप लिखोगे, क्योंकि लिखने को तो जाहिर है कि अगर मैं ये कह दूँ कि नहीं आप, कोई रिस्पॉन्स ही आपका नहीं होगा तो बड़ी गलत बात होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जीवन में जो किसी कलाकार को भी नहीं मिल पाते, लेकिन अप्रिशिएट करते हैं, बहुत चाहते हैं, और ऐसे प्रमाण लगातार मिलते रहते हैं कि वो किसी के काम ने किसी को खींचा, उसने उसको खरीदना शुरू किया, उसके बारे में जानना शुरू किया। लेकिन कला समीक्षक थोड़ा सा अपने जीवन से शुरुआत करता हूँ, 23 बरस का था मेरा भाग्य कि मैं कल्पना पत्रिका में पहुँचा, हिंदी की सबसे अच्छी पत्रिका, जो कला पर भी सामग्री छापती थी, लगभग हर विषय पर, फिल्म पर भी। उस जमाने में वहीं मुझे हुसैन मिले, बद्री विशाल जैसा एक विशाल व्यक्ति मिला, यह मैं कहूँगा। आप उन पर एक किताब भी निकाली है मैंने बद्री विशाल नाम से ही, उनको प्रणति देने के लिए, एक अद्भुत व्यक्ति है। संगीत, नाटक, सभी कलाएं, साहित्य, इतनी बड़ी पत्रिका निकली हिंदी में, वैसी पत्रिका फिर निकली नहीं है। तो वहाँ से जीवन शुरू किया, लेकिन एक दिन मुझे लगा जब 10 महीने बीत गए और मेरे मित्र लिखते थे कि हमने अलकाजी का नाटक देखा, हमने हुसैन की प्रदर्शनी देखी, हमने राम कुमार की चित्र प्रदर्शनी देखी, हमने यामिनी कृष्णमूर्ति का नृत्य देखा, हमने रविशंकर को सुना, तो मैं सचमुच एकदम बेचैन हो गया। मुझे लगा मैं यहाँ बैठा हुआ क्या कर रहा हूँ, ये मेरी उम्र है, मैं अभी युवा हूँ,
मुझे दिल्ली जाना चाहिए। तो बिना कुछ सोचे बिचारे जैसे होता है, मैं दिल्ली के लिए चल पड़ा। जेब में थोड़े से पैसे हैं, उंदर होते ही कहाँ थे ऐसे पैसे। एक घटना घटती है मेरे जीवन की, बड़ी घटना। एक दिन रामकुमार जी, जिनको हम कहानीकार के रूप में ज़्यादा जानते थे, और कलाकार तो बड़े थे ही, उनका 64 की बात है, तब तक उनका काफ़ी नाम हो चुका था देश दुनिया में। एक दिन मुझसे पूछते हैं कि तुम कहाँ रह कहाँ रहे हो। मैंने कहा मैं तो दोस्तों के साथ रहता हूँ, कभी मॉल टाउन, कभी कहीं। थोड़ी देर सोचते रहे, मुझे बहुत चाहते थे। तो ऐसा करो, तुम कल से हमारे स्टूडियो में रहना शुरू करो। अब उनका स्टूडियो गोल मार्केट में, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए। मैं जाता हूँ अखबार के दफ्तरों में, दूरदर्शन भी खुल चुका था, सही ब्रांच पे हमारी मित्र उसमें आ चुकी थी प्रोड्यूसर बनकर। तो मुझे लगा कि बड़ा भारी अवसर है। तो मैं अपना एक छोटा सा बिस्तर ले गया, और रामकुमार जी एक बजे चले जाते थे, फिर वो दिन भर में वहाँ रहता था। और बाकी समय को छोड़ करके जब गया हूँ, मान लीजिए दिन मान गया हूँ, दूरदर्शन गया हूँ, रेडियो गया हूँ, क्योंकि मेरी आय का जरिया वहीं से हो सकता था। तो 3 महीने में वहाँ रहा, कभी भूलता नहीं हूँ अपने वो दिन। 24 साल का हूँ, कभी तैयब मेहता आ जाते हैं, कभी गायतोंडे आ जाते हैं, और रामकुमार जी के चित्र में रात को जब नींद नहीं आ रही होती थी मैं देखता था। फिर स्वामी से भेंट हो जाती, उस भेंट को भी मैं चमत्कार से कम नहीं मानता। एक दिन अज्ञे ने मुझसे कहा, जिनके साथ मैंने कला पर लिखना शुरू किया था, जिनके आग्रह पर भी कह सकता हूँ, उन्होंने ही कहा एक दिन मुझसे कि तुम मुकुल डे की प्रदर्शनी लगी हुई है, आप उसकी रिव्यू कर लाइए। मेरे हाथ पांव फूल गए, अभी भी याद कर रोमांच हो आता है कि मुकुल डे, इतने बड़े प्रिंट मेकर, उनका नाम सुना था थोड़ा सा, मैं 24-25 साल का, मैं उनको जानता नहीं था प्रिंट मेकिंग के बारे में। तो मैंने वासवन जी से धीरे से कहा, वो समझ गया कि बहुत सकुचा रहा है, मतलब डर सा गया था, और उनका कैसे मैं कहूँ कि नहीं लिखूँगा। उन्होंने कहा देखिए, तो आप, उसका आशय था कि जाना है फिर तो उसके बाद देखें तुम क्या करते हो। मैं गया, ललित कला लाइब्रेरी गया, कुछ किताबें उन्होंने दी बंगाल स्कूल के बारे में, मुकुल जितनी सामग्री को दे सकते थे वो देते थे, और मैं उस प्रदर्शनी की रिव्यू लिखता हूँ। और मनोहर श्याम जोशी वहाँ संपादक हैं, सहायक संपादक हैं, और मेरी बहुत मदद करते हैं कि यंग आदमी है या आया है, इसको यही इसकी जीविका। मैं नौकरी नहीं करता था, करना चाहता भी नहीं था, मैंने 4 साल दिन मान में फ्रीलांसिंग की थी। तो बोले, मैं उनसे कहा कि देखिए मैं लिख कर तो आया हूँ, पता है। बोले तुम बेकार डरते रहते हो, तुम्हारा जीवन में कभी कुछ बनने वाला है नहीं। और फिर वो थोड़ा आगे चलते थे, और सिगरेट सुलगाते हुए उनको मैं कभी नहीं भूला। और फिर पीछे थोड़ा लौटते थे, मेरी ओर मुड़ते थे, अरे भाई जीवन में हर आदमी कोई काम पहली बार करता है, तुम करके लाओ तो ना, मैं भी बैठा हूँ। वो रिव्यू गई अज्ञे के पास, अब देखो देखिए आज तो संपादकों के पास वैसे पढ़ने का समय भी नहीं होगा। हम लोग बड़ी बेचैनी से प्रतीक्षा करते थे कि अंदर से जब अज्ञे उसको देखेंगे और वो रिव्यू बाहर निकलेगी तो उसमें कहाँ क्या जोड़ा गया या घटाया गया होगा। जोशी जी आए लेकर, उसको बोले तुम बेकार संकोच करते रहते हो, देखो तुम्हारी रिव्यू छपने जा रही है। वो दिन मुकुल दे की प्रदर्शनी पर मेरी रिव्यू, 10 बरस फिर वो कॉलम लिखा रघुवीर जी के संपादक बने वासियान जी के बाद, मेरा भाग्य। लेकिन फिर लगा कि नहीं, ये चीज़ जो मुझे मिली है इससे मुझे इतना मिल रहा है, इसको छोड़ना नहीं। जैसा विनोद जी ने कहा, क्योंकि एक बार आप देखिए, चुनौती भी कहूँगा और नहीं भी कहूँगा, वो समुद्रों में उतरना है। रविन्द्रनाथ ठाकुर, सैकड़ों गीत, हजारों पेंटिंग्स, इतने नाटक, किसी का भी आप नाम ले लीजिए, किसी का भी नाम। राम कुमार, उनकी दो प्रदर्शनियाँ क्यूरेट की हैं ड्राइंग्स की, मेरे आग्रह पर ही उन्होंने ड्राइंग्स निकाली, हजारों हैं अभी भी उनके बेटे के पास।
करते थे, रखते जाते थे। स्वामी जिनकी जीवनी ही लिखी है और जिनसे बहुत कुछ मिला है, अब बहुत कुछ मिलने की बात याद कर लेता हूँ कि कैसे वापसी संवाद। आज सुबह यहाँ टहलने निकला था, पूछ भी मैंने की है तो अशोक वाजपेयी के साथ ठहरा करता था एक जमाने में, 74 बंगले, अभी भी बड़ी शांत सुंदर सड़क, मैं करीब 1-2 किलोमीटर चलता हूँ अभी भी, तो उसको ये भी कला का ही योग मानता हूँ कि जो चलना सिखाया उसने तो चलता रहता हूँ। भले चलना एक अलग चीज़ है, खड़े रहना और देखना एक दूसरी चीज़ है। तो बहुत सारी बातें याद आने लगी कि रजा का इंटरव्यू यहीं किया था, यहीं अकबर पदमसी के साथ एक दोपहर बिताई थी, आदि आदि। अब ये मैं क्यों याद कर रहा हूँ, बस 3-4 मिनट और, तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। पहली चुनौती तो ये है कि आप उसको अपनी चीज़ मानते हो कि नहीं, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कि आप यही वो आधार है जिसके सहारे आप जीवन से कुछ पा रहे हो, जीवन में कुछ पा रहे हो। अगर एक कला समीक्षा के मन में ये नहीं है तो मेरा मानना है कि उस अच्छी समीक्षा वो नहीं लिख सकता, क्योंकि वो खाली पढ़ करके तो आती नहीं है। अब स्वामी देखिए, एक बात कहूँगा आपसी संवाद की, तो एक दिन स्वामी का मैंने जो लंबा इंटरव्यू किया वो है किताब में, तो स्वामी से मैंने पूछा आप कला और प्रकृति का संबंध क्या मानते हो। अब मैं किसी बहुत गहरे उत्तर की प्रतीक्षा में हूँ, गहरा उत्तर उन्होंने दिया वो सुनने में सरल लगता है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे तो सब कुछ समझ में आ गया। स्वामी ने थोड़ी देर बीड़ी सुलगाई, उनके साथ अब मैंने नहीं पीता, मैंने सिगरेट भी बहुत पी है, पाइप पी है, बीड़ी पी है, स्वामी के साथ बहुत बीड़ी पी है, लेकिन 2000 में मैंने छोड़ दिया, धूम्रपान अब नहीं करता। तो स्वामी ने कहा, थोड़ा सोचा, फिर बोले ऐसा है, प्रकृति कला के आईने में अपने को कभी नहीं देख सकती। मैं थोड़ा हैरान ढंग सा हुआ कि अरे एक वाक्य में ऐसी बात, 2 ट्रिब्यूट्स एक साथ, कि प्रकृति तो बड़ी है ही लेकिन रचना भी उतनी बड़ी है, क्योंकि प्रकृति भी स्वयं अपने को नहीं देख सकती। अनुकृति भी कोई चाहे आज कलाकार किसी भी चीज़ का, एक पेड़ की भी अनुकृति नहीं कर सकता वो, इट इज़ बाउंड टू बी समथिंग एल्स। व्हेन इट इज़ बाउंड टू बी समथिंग एल्स, वहीं से कला समीक्षा की चुनौतियाँ शुरू होती हैं, क्योंकि तो अब तो मुझे अनंत है इस विषय में मेरे पास कहने के लिए, और बहुत अच्छा हुआ विनय जी ने याद दिलाई, और मैं अपने जीवन, आई फील ब्लेस्ड, ट्रूली ब्लेस्ड। ऐसा जीवन में पता नहीं और लोगों के साथ भी हुआ होगा, मैं अपनी जीवन की बात जानता हूँ। अब आखिरी बात करूँगा, सुदीप भी बैठे हैं, इनसे भी काफ़ी कैसे देखिए होता रहा, हर फील्ड के लोगों से, हुसैन से लेकर आज तक, सूजा से लेकर आज तक के कलाकार, यहाँ यूसुफ बैठे हैं, विवेक बैठे हैं, जयकृष्ण जी बैठे हैं, तो चमत्कार सा लगता है कि एक जीवन में ऐसा इतनी जगहों में जाना, इनसे मिलना, उनके स्टूडियो में, अब स्वामी के साथ कहाँ नहीं गया मैं, बस्तर, कोट खाई, और किसी भी कलाकार का नाम, राम कुमार जी, बस वहीं से जीवन शुरू होता है कला का। आज सुबह ही, अभी आखिरी बात सचमुच है, लेकिन वह भाग्य की बात है इसलिए उसको याद करता हूँ, सुबह जाम्बे जी मिल गए, वो मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में मालती माधव नाटक कर रहे हैं, NSD के हमारे एक और पुराने छात्र मिल गए, सब याद आने लगा, अरे वो रतन थियम जी के यहाँ जाना इम्फाल में, वो अमुक जगह जाना, वो उनसे मिलना, कावलम के यहाँ त्रिवेंद्रम जाना, ये सब कैसे हुआ एक जीवन में। हरेन ठाकुर जी बैठे हैं रांची भी, तो कलकत्ता अपना शहर तो ये जो जीवन मिला ये कला के कारण मिला। कला समीक्षा की चुनौतियाँ नाम से मैंने जो पहली किताब निकाली हिंदी में, दलित कला की, मेरा भाग्य,
ललित कला की पत्रिका मैंने शुरू की, समकालीन कला, फिर पहला प्रकाशन कला समय समाज। स्वामी ने कहा कुछ करना है, मैंने कहा किताब तो इतनी जल्दी नहीं लिख सकता पर संपादित करूँगा। ज्योतिष जोशी जी तो बैठे हुए हैं, उनको भी इतिहास मालूम है, तो उसमें मैंने उस समय जो कला समय समाज में एक लेख जो मैंने लिखा था 79 में अशोक जी, उसका शीर्षक था कला समीक्षा की चुनौतियाँ। तब से अब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि तब से आज तक की कला समीक्षा की चुनौतियाँ बनी हुई हैं, मुझे साथ है, या मुझे इस बात की बड़ी क्या कहना चाहिए, बड़ी प्रसन्नता है कि वो चुनौतियाँ मेरे साथ हैं। इनमें चलने की चुनौती भी साथ है, लेकिन अभी भी हिम्मत कर लेता हूँ। अभी यूसुफ की कम से कम नहीं तो 400 ड्राइंग देख चुका हूँ इनके स्टूडियो में बैठकर, और कभी खड़े होकर ऐसा चलता रहता है, ये चलता रहे यही मैं चाहता हूँ। और ये चाहता हूँ कि ये जो बात विनय जी ने कही बहुत सुंदर थी, कि अगर आपको सारी कलाओं में दिलचस्पी नहीं है तो मुझे, मैं बाकी कलाओं के बारे में नहीं कह सकता, पर ये सच्चाई है कि फिर आप कला समीक्षा वैसी नहीं कर सकते जैसी वो हो सकनी चाहिए, क्योंकि खुद कलाकार कहाँ कहाँ से लेते हैं। पहले जो फ्रीडम थिएटर को मिली थी कि आप कुछ भी लाकर रख दो मंच पर, वो स्वीकृत है, माइक, फूल, फाइल, कुछ भी, वो स्वतंत्रता मिली है बहुत दिनों के, सदियों बाद कला को, 150 वर्षों में, कि चाहो तो कैनवास पर कुछ चिपका दो, चाहो तो उसे फाड़ दो, चाहो तो उसको एक किनारे में कुछ और कर दो, बहुत बड़ी सुविधा मिली है। और उतनी ही बड़ी चुनौती कला समीक्षा के सामने है कि वो इतनी सारी चीज़ों को समझे, जाने और फिर लिखे। लेकिन इस चुनौती का कितना आनंद है आप समझ चुके होंगे। आप सबका बहुत आभार। धन्यवाद प्रयाग जी। प्रयाग जी ने बहुत ही धरातल की बातें की, बहुत व्यवहारिक बातें की, और जहाँ से खुद उन्होंने अपनी आँख खोली थी एक कला समीक्षक के रूप में, और उसके बाद किस तरह से दुनिया उन्हें दिखाई दी, इन तमाम पक्षों को उन्होंने खुलासा किया। और ये बिल्कुल तय है कि किनारे पर बैठकर लहर की समीक्षा नहीं की जा सकती, बहुत गहरे तक डूबना उतना रहा होता है कलाओं के मर्म को समझने के लिए। जब प्रयाग जी बोल रहे थे और मैंने भी जब आग्रह ये रखा कि हमें संगीत को, नृत्य को और रंगमंच को और दीगर जो भी कला के माध्यम है, अगर उनको हमको ठीक से देखना है तो उनके प्रति गहरी दिलचस्पी हमारे भीतर होना बहुत ज़रूरी है। और संतोष चौबे जी यहाँ बैठे हैं, और जब भी हमारा उनसे संवाद होता है और जब भी कला पर हम विमर्श करते हैं तो एक बात बार बार वो उकेरते हैं कि दरअसल हमको कलाओं के बीच में जो आवाजाही है दीगर कलाओं की, माध्यमों की, उसको भी ठीक से देखने की ज़रूरत है। यानी अगर एक चित्रकार अगर अपनी चित्रकला में सृजनरत है तो उसको अपनी दिलचस्पी संगीत के साथ भी होनी चाहिए, रंगमंच के प्रति भी उसकी जिज्ञासाएँ होनी चाहिए। और अगर इसी तरह से अगर एक नर्तक अगर रंगभूमि पर उतरता है तो उसको भी ठीक से संगीत को जानने की आवश्यकता है, उसको भी उस पूरी चित्रकला को भी देखने की आवश्यकता है। तो ये जो अंतर संबंध है हमारी कलाओं के, ये जब तक हमें ठीक से मालूम नहीं होगी तब तक हम ठीक से कला समीक्षा की अपनी उस आँख को पैनी नहीं कर पाएंगे। तो प्रयाग जी ने भी इस ओर इशारा किया, और मुझे याद है कि संगना जब आप संगीत नाटक अकेडमी की पत्रिका निकालते थे और प्रयाग जी ने मुझसे भी बहुत आग्रहपूर्वक लिखवाया और हम भी लिखते रहे, समझते रहे चीज़ों को, तो देखिए कि वो पूरी की पूरी, वो पूरी पत्रिका इसी तरह से कलाओं के अंतर संबंधों के आसपास नए विमर्शों की पत्रिका थी। और उसके बाद चलकर हमने रंग संवाद की शुरुआत की, हमारे टैगोर विश्व कला संस्कृति केंद्र की पत्रिका है। तो ये सारी की सारी दिलचस्पियाँ अगर आपके भीतर होती हैं तो कला समीक्षा के कर्म को आप ठीक से करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और यही आग्रह मुझे लगता है कि यहाँ चूंकि विभिन्न विधाओं के हमारे सर्जक बैठे हैं, यूसुफ जी का नाम लिया, विवेक जी पास में बैठे हुए हैं, अग्रवाल साहब बैठे हैं, ये वो तमाम लोग हैं जिनको मैंने बकायदा संगीत की सभाओं को भी सुनते देखा है, मैंने इन्हें थिएटर देखते हुए भी देखा सुना है। और यही वो भारत भवन और भोपाल है जहाँ पर कि चित्रकला को देखने के लिए भी उसी जिज्ञासा के साथ एक संगीतकार भी जाता है, अखिलेश गुंदेचा यहाँ पर बैठे हुए हैं। और देखिए रजा ने तो अपनी बहुत सारी कलाकृतियों के जो शीर्षक हैं वो कविताओं के दिए,
रजा उतनी ही गहरी दिलचस्पी संगीत के प्रति रखते थे। तो कलाकार और कला समीक्षक दोनों के साथ इस संवेदनशीलता की दरकार हम देखते हैं। अब जब मैं सुदीप को देखता हूँ और सुदीप के पिछले एक दशक को देखता हूँ, उसकी यात्रा को देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि सुदीप संगीत के प्रति भी गहरी दिलचस्पी रखते हैं। थिएटर के तो वो रह ही रहे हैं, इन्होंने खुद नाटक भी लिखे, इन्होंने खुद अभिनय भी किया, और इन तमाम चीज़ों के बाद सुदीप जो है वो सिनेमा के अनुशासन में प्रवेश करते हैं। पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में बाकायदा स्क्रिप्ट राइटर के रूप में इन्होंने अपना पूरा का पूरा डिप्लोमा लिया है। बहरहाल, तो सुदीप एक नई पीढ़ी के रूप में कला समीक्षा को किस तरह देखते हैं, और सुदीप जब इस काम को करते हैं तो सुदीप इन सारी चीज़ों को किस तरह से बरतते हैं। सुदीप, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका विनय जी। हालांकि होना तो ये था कि शुरुआत मुझसे होनी थी, बात मैं वही कहता जो विनोद जी ने और प्रयाग जी ने कही, पर मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बातों को, जो थॉट्स इधर उधर हैं, क्योंकि मैं बतौर प्रैक्टिशनर काम ज़्यादा करता हूँ और बतौर समीक्षक मैं वैसे अपने आप को नहीं मानता, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब मैं भोपाल आया था पहली बार और यहाँ पर जब मैंने भारत भवन में सारी कलाओं को एक साथ देखना शुरू किया, तो जो कलाओं के अंतर संबंध की बात की, मैं आज भी उसी बेसिक्स पर बार बार जाता हूँ। मुझे लगता है कि हर कला अंततः कविता है और हर कविता जो है वो एक तरह से संगीत है। तो ये जो बुनियादी बातें जो मेरे भीतर है वो शायद मैं अपने काम में ढूंढने की कोशिश भी करता हूँ, और जब मैं किसी और के काम को देखता हूँ तो मैं इन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश भी करता हूँ। जैसी बात का इशारा विनोद जी ने सबसे पहले किया, मैं उसी बात को मानता हूँ कि दरअसल मेरी जो बुनियाद है या जो मेरी शिक्षा है वो कला समीक्षा से ही रही, और मैं उसे इस समीक्षा या समीक्षक टर्म में नहीं जानता था। मुझे लगता था कि जो भी हो रहा है मुझे वो सब समझना है, और मुझे फिर अचानक याद आता है कि जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट की तैयारी कर रहा था तो मुझे अचानक से कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई थी, क्योंकि पिछले 5-7 साल जब मैं भोपाल में रहकर सिनेमा, साहित्य, संगीत, नाटक, ये सब चीज़ों को देखता रहा था, तो अपने आप एक समझ मुझ में बनी थी। तो वो देखने के कारण तो बनी ही थी, पर दूसरी बात जो है वो उन कलाकारों के साथ रहने, उठने, बैठने, या उनको दूर से भले ही देख रहा हूँ पर उसके कारण भी बनी थी, और वो मेरी जिज्ञासा भी थी, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन जैसा समीक्षा में कोई होता नहीं है, मगर मेरे पास जो भीतर सवाल होते थे, अगर वो मैं संगीत ही सुन रहा हूँ और राग की ही बात हो रही है, तो मुझे भीतर से ये सवाल आता था कि राग अगर यमन है तो वो क्या है, या उसमें मैं बतौर उद्घोषक विनय जी को भी सुनता था कि जब वो किसी नाटक के बारे में या किसी संगीत सभा के बारे में बताते थे, तो वो सब एक शिक्षा जैसा ही मेरे भीतर आया। और अब जो है वो धीरे धीरे करते करते मेरे पास एक आँख जो पैदा हुई कि मैं उसके साथ जो है बहुत सारी जगहों पर आ जा सकता हूँ। जैसे कला समीक्षा की चुनौतियाँ, इस विषय पर बात करने के पहले विनय जी ने कहा था, मैं उसी बात को फिर दोहराता हूँ कि चुनौती से पहले तो ज़रूरत वाली बात बहुत ज़रूरी है कि उसकी ज़रूरत ही क्यों है। और उसके साथ में मैं 2-3 चीज़ें, ये 3 मुद्दे मुख्य रूप से रखना चाहूँगा कि हम कला समीक्षा पर तो पहुँच जाते हैं मगर कला क्या है उस पर शायद हम ध्यान नहीं दे पाते, या समीक्षा क्या है उसको भी उन अर्थों में नहीं देख पाते। हालांकि थोड़ा सा वो थियोरिटिकल होगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते मैंने 2 चीज़ों पर ये विचार किया था कि समीक्षा, तो मैंने इसका जब इंटरनेट पर खोजा तो कॉलिंस की डिक्शनरी में मुझे समीक्षा के 2 मतलब दिखाई दिए। एक तो वो कॉमेंट्री के संदर्भ में है या डिस्कशन या बहस के रूप में, और दूसरा वो रिव्यू के रूप में है कि उसे फिर से सुधारा जा सकता है किसी भी कला को, या उस पर उसको एनहेंस किया जा सकता है। तो ये मैं
थिएटर के और ख़ासकर सिनेमा के संबंध में देखता हूँ, जब हम थिएटर के भी कोई रन थ्रू जैसा होता है तब भी या बार बार भी उसको बनाया जा सकता है, या जिसकी बात प्रयाग जी भी अभी लगातार कर रहे थे कि उसे वहाँ पर परिष्कृत किया जा सकता है, और सिनेमा के संदर्भ में भी ये कहा जा सकता था। और दूसरी जो चीज़ है वो यही कि आज कलाकार और समीक्षक के बीच में एक दूरी है जो मैं भी महसूस करता हूँ। हालांकि वो वही बात है कि मैं जितने जिज्ञासा से उन सब कलाकारों के पास पहुँचता हूँ तो अक्सर तो मुझे उनका साथ मिला भी है और वो मेरी जिज्ञासाएँ शांत हुई भी हैं, मगर फिर भी एक दूरी तो वो साहित्य में भी है, वो चित्रकला में भी है, नाटक में भी वो थोड़ी थोड़ी सी बनी है कि वहाँ पर एक दूरी तो है ही, या वो क्यों है वो मुझे नहीं पता। वो उसके दोनों कारण हो सकते हैं, या तो कलाकारों का भी एक उनकी भी कोई संकोच हो सकते हैं, और जो समीक्षक हैं उनके भी कुछ संकोच हो सकते हैं। और तीसरी बात, अगर ये दोनों चीज़ें भी आ जाए, आपके पास सारे संदर्भ भी हैं, आपके पास सारी सुविधाएं भी है कि आप कलाकारों से भी मिल रहे हैं, आप सब कुछ हुए हैं, उसके बाद तीसरी जो मैंने एक चीज़ महसूस की कि अगर मैं समीक्षा लिख भी लेता हूं तो मैं उसका क्या करूंगा। भाषा मुख्य रूप से अगर हम हिंदी की बात करें तो बहुत कम ऐसी पत्रिकाएँ हैं या ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वो जा सकती हैं। विनय जी भी हैं, प्रयाग जी भी हैं, तो इन दोनों ने ही मुझसे शुरुआती समय में लिखवाया है। और जो चुनौती है वो दरअसल चैलेंज के रूप में जो मैं देखता हूँ, तो मुझे सबसे पहले तो याद आता है कि शायद मैं 18-19 साल का था और मुझसे विनय जी ने, जब वो यहाँ पर नई दुनिया में थे, तब मुझसे जो किताब की समीक्षा करवाई थी वो थी गोकुलोत्सव महाराज की हवेली भजन पर। तो मुझे तब हवेली परंपरा पद परंपरा पर, तो मुझे तब तो शायद इतना ध्यान था नहीं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, पर क्योंकि मैं उनको भारत भवन में सुन चुका था तो मुझे कुछ जो स्मृति के आधार पर जो बात मैं लिख सका था, आज मुझे लगता है कि उस उम्र में मैंने उसको एज ए चैलेंज ही ले लिया था। लेकिन फिर उन्हीं चैलेंजेस से होते होते जो है वो ये रास्ता बन सका। और इसी तरह से प्रयाग जी ने संगना में जब मुझसे लिखवाया था तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बार जब मैंने उन्हें भेज दिया था तो उन्होंने मुझे वापस उसको रीराइट करने को कहा था। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये मुझे लगता है कि होनी चाहिए। इसी के साथ मुझे एक और चीज़ की ज़रूरत लगती है। मैं तमाम फिल्म फेस्टिवल्स में जाता रहा हूँ और वहाँ पर मैं अपनी रुचि से बहुत सारी फिल्में देखता रहा हूँ, लगभग दिन दिन भर मैं फिल्में देखता रहा हूँ और उसके बाद लिखता रहा हूँ, बगैर इस चिंता के कि मैं लिख रहा हूँ तो उसको पढ़ कौन रहा है या वो कहाँ तक पहुँच रही है। पर मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आज के समय में थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, तो जिस तरह से रेसिडेंसीज होती हैं, समीक्षा को लेकर भी कुछ इस तरह से रेसिडेंसीज की जा सकती हैं, सिंपोजियम तो है ही, पर बाकायदा उन पर लगातार बात हो और कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें कड़ी निगरानी में, आप जैसे वरिष्ठ लोगों की निगरानी में अगर बाहर आएँ तो शायद जो है वो कुछ माहौल आगे कुछ सालों में बेहतर हो सकता है। मुझे लगता है कि इतनी बातें या इतने सवाल काफ़ी हैं। आप सब ने मुझे सुना, शुक्रिया। सुदीप ने जो बात की उसकी एक तस्दीक जो है के तौर पर मैं हाल ही में इनकी बनी फिल्म तनिष्का का जिक्र करना चाहूँगा। तनिष्का एक फिल्म है जो कि भोपाल की एक उभरती हुई नन्ही नृत्यांगना पर केंद्रित है और सुदीप ने लगातार कई बरसों तक उसकी उस किशोर अवस्था तक आते आते उसकी तमाम दिलचस्पियों को और उसके रुझानों को, उसके संस्कारों को देखा और वो फिल्म बनी। वो फिल्म भारत ही नहीं बल्कि दो देशों में भी उसका प्रदर्शन हुआ है, तो सुदीप को इसके लिए बहुत बधाई। और दरअसल उस फिल्म को बनाने के पीछे भी यही दृष्टि रही है। बहरहाल संवाद की बात की कि संवाद जो कलाकार और कला समीक्षक के बीच में जो छींचता जा रहा है, जो फासले हैं उनको फिर से पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। देवीलाल पाटीदार जी बैठे हैं, विवेक भाई बैठे हैं, हम लगातार इन चिंताओं से वाबस्ता रहते हैं कि ये क्या वजह है कि गंभीर मुद्राओं को लेकर कलाकार अपने शिविर में बैठा रहता है और कला समीक्षक बैठे रहते हैं। एक तरलता का संवाद क्यों नहीं उनके बीच में स्थापित होता है, और वो जबकि दोनों ही अपने अपने स्तर पर एक महत्वपूर्ण काम करते होते हैं। तो मुझे लगता है कि संवादों
के प्रति हमें फिर लचीला होने की आवश्यकता है और ये संवाद का सेतु और गहरा और ठीक होने की आवश्यकता है। आदरणीय अशोक भौमिक जी यहाँ पर बैठे हैं और हाल ही में उनकी किताब आई, उसका शीर्षक ही है चित्रकला का सच। तो चित्रकला का सच उन्होंने उस किताब में रखा है, मुझे लगता है यही बेचैनियाँ उनकी शायद रही, ये उद्विलन रहा है। और अभी कुछ दिनों पहले ही हमने जब खंडवा में वनमाली सृजन पीठ की वनमाली व्याख्यानमाला की थी, तब अशोक भौमिक जी को कला का सच विषय पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था और तब भी इसी तरह की कुछ बातें उठी थी और हम सब लोगों ने उसमें एक अलग किस्म की हस्तक्षेप भी हमने किया था। तो मैं भौमिक जी को आमंत्रित करूं क्योंकि वे एक चित्रकार तो हैं ही लेकिन एक अच्छे आलोचक के रूप में भी हमारे बीच में होते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपसे निवेदन है अपनी बात कहें। धन्यवाद विनय भाई, आज एक अच्छा मौका ये है कि मेरी कम से कम एक पदोन्नति हुई है कि एक चित्रकार से ऊपर उठ के मैं एक कला समीक्षक के रूप में आपके सामने हूँ। मैं सीधे विषय पर आता हूँ और कला समीक्षा की चुनौतियाँ जो शब्द है, ये कोई यूनिवर्सल वर्ड नहीं है, विषय नहीं है, क्योंकि भारतीय चित्रकला की समीक्षा की चुनौतियाँ होना चाहिए, क्योंकि कला का विकास का जो इतिहास है विश्व का कुछ और है, हमारा कुछ और है। उसके बारे में मैं कई जगह बता भी चुका हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि जिन चीज़ों को हमने अपने इतिहास का अंग बनाया, जिसको हमने कहा कि चित्र हैं, वो दरअसल चित्र नहीं थे, वो चित्रण थे। और इस विषय पर सबको सोचना चाहिए कि हमारा इतिहास जो है वो चित्रण एक तरफ है, दूसरी तरफ ये है कि हम कहते हैं कि हमारा मुगल पीरियड के चित्र हैं और पहाड़ी हैं और ये तमाम चित्र परंपराएं जो हैं वो हमारे विरासत में हैं, उनसे हम लेते हैं। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, उन चित्रों की रचना चित्र के रूप में हुई ही नहीं थी, वो इसलिए नहीं रचे गए थे कि वो प्रदर्शित हो। आप गाना गाते हैं या कविता लिखते हैं या नाटक करते हैं, इस पूरी रचना का एक चक्र होता है जो कि प्रदर्शन में जाके वो पूरा होता है। आप केवल लिखते हैं और लिख के रख लेते हैं, वो पूरा नहीं होता जब तक ना पाठक उसको पढ़े। और चित्र की भी रचना इसलिए होनी चाहिए कि वो चित्र दर्शक उसको देखें, और अगर वो बाबरनामा और अकबरनामा में लिख के वो अलमारी में बंद कर दी गई हो और वो हमारा इतिहास है, तो हमें दूसरी बार इसको सोचना चाहिए कि हमारा चित्रकला का इतिहास क्या है। मैं चित्रकला की चुनौतियाँ जो है, समीक्षा की चुनौतियाँ जो है, उससे बड़ी चुनौतियाँ मैं मानता हूँ कि चित्रकला की चुनौतियाँ जो पिछले अगर 50 साल का मैं समय देखूँ जिसमें कि मैं सक्रिय रहा और मैंने चीज़ों को बदलते हुए देखा, और हम आज जिस जगह पे खड़े हैं, मेरे ख्याल से सबसे बुरा वक्त यही है। समीक्षा ने क्या किया, समीक्षा जो बुरे वक्त के कारण के अगर हम तलाश करें तो मुझे लगता है कि भारतीय चित्रकला में समीक्षा ने चित्रकला का सबसे बड़ा नुकसान किया। उसका कारण यह है कि समीक्षा जब भी हम करते हैं, जब भी लिखते हैं किसी के बारे में, अभी जो विनोद जी ने कहा कि रेलिवेंस, ये रेलिवेंस शब्द बहुत घातक शब्द है, क्यों? रेलिवेंस आपका एक चॉइस है, आपके लिए जो रेलिवेंट है वो मेरे लिए नहीं है। आपका रेलिवेंट जो है वो तय किया गया रेलिवेंस से। आप जब कोई चित्रकार एक ही चित्र के 2500 चित्र बनाता है तो आप कहते हैं यूनिक कंसिस्टेंसी, और जब अगर मैं बनाता हूं और अगर हमसे आप संतुष्ट नहीं है तो आप कहते हैं दोहराओ। दोनों में बेसिक कोई अंतर नहीं है, ये समीक्षा है। इस समीक्षा के चलते हम जहां पे आज खड़े हुए हैं, मैं ये मानता हूँ कि अगर चित्रकार मेहनत करता है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है और मेहनत करता हुआ BFA करता है, MFA करता है, और अगर नहीं भी एडमिशन लेता है, वो निरंतर एक शिक्षा की प्रक्रिया में रहता है, वो सीखना चाहता है, वो सीखता है, वो अंतिम समय तक सीखता है, लेकिन समीक्षकों की वो तैयारी हमें नहीं दिखाई देती। जो सबसे बुरी बात हुई है, जो कि मैं मानता हूँ कि हमको बहुत गंभीरता से इसे लेना चाहिए, समीक्षक निर्णायक बन गए हैं। समीक्षक ये तय कर रहे हैं कि आप बड़े कलाकार हैं या छोटे कलाकार हैं, और वो निर्णय उनका खुद का निर्णय नहीं है, वो बाजार का निर्णय है। और इस पूरी प्रक्रिया में मुझे लगता ये भी है कि हमको बहुत गौर से देखना चाहिए कि जिन कलाकारों का नाम अभी मंच पे लिया जा रहा है, जिन लोगों का नाम मंच पे लिया जा रहा है, चाहे कोई भी कवि हो, चाहे लेखक हो, चाहे वो चित्रकार हो, अब गौर करेंगे कि वो केवल राजधानी में केंद्रित है। हिंदुस्तान की कला राजधानी केंद्रित नहीं हो सकती, अगर वो है तो वो अनडेमोक्रेटिक आर्ट है, वो एक गैर लोकतांत्रिक कला का हमने जन्म दिया पिछले 70 साल में, जिसमें कि जो दिल्ली पहुंच पाए वही महान हुए।
आपके ब्रांड्स तैयार किए आपने, आपने ब्रांड तैयार किए हैं। आप सुबह गए थे तो राम कुमार से मिले थे, शाम को रजा से मिले, परसों अब जिनसे मिल रहे हैं वो दिल्ली में। ऐसा हो सकता है कि देवास में एक चित्रकार बहुत अच्छा काम कर रहा था जो अलग चित्र रह गया, पर आप समीक्षक की जिम्मेदारी है कि देवास पर भी नजर रखे, वो चित्रकार उठ के आपके पास ना आए, आप भी उनके पास जाए, और वो उठ के जाने की सीमा जो है वो दिल्ली के अंदर नहीं होनी चाहिए। और मैं ये केवल दिल्ली के बारे में बार बार जो बता रहा हूँ इसलिए कि उसका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। आप 47 को आप भूल नहीं सकते, 47 का समय जो है, सन 1947 में भारत की आज़ादी के बाद जितना भी विकास दिल्ली का हुआ उसका कारण एक राजधानी था। राजधानी के कारण होने के कारण वहाँ पे दूतावास बने, और दूतावास बनते हुए अगर कहीं पे आपको सुविधा मिलनी चाहिए, कहीं आपको लाभ मिलता है, अगर पैसा हो, यश हो, तो आपको उस जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे वो चीज़ें उपलब्ध हैं। किशन खन्ना जी की एक किताब है जो पेंगुइन से प्रकाशित हुई है, जिसके बारे में मैंने कई चर्चा भी की थी, बहुत अच्छी किताब है। उन्होंने लिखा कि हम लोग बम्बई से और तमाम जगहों से दिल्ली में आके बस गए थे, और दिल्ली में बसे इसलिए थे कि हम लोग निज़ामुद्दीन जो ईस्ट है वहाँ पे हम लोगों ने मकान लिया था, कि जो आर्ट गैलरी थी वो नज़दीक थी, सुंदर नगर में आर्ट गैलरी थी, तो हमारे बच्चों का एडमिशन भी वहीं पे हो जाता था DPS में। आप जरा गौर कीजिए कि हम चित्रकला को जो साधना के रूप में एक बहुत बड़ा उसको ब्लो कर रहे हैं, आप बाज़ार के करीब अपना मकान बना रहे हैं, आप जैसे गोडाउन रहे हैं, अगर गोदाम बना रहे हैं तो बाज़ार करीब बना रहे हैं, उसकी व्याख्या भी हो रही। समीक्षकों ने हमें बताया कि वो चित्रकार जो है वो नंगे पैर चला करता था, पर ये नहीं बताया कि नंगे पैर चलने के साथ उसके चित्रकला का कोई संबंध नहीं है। हमने चित्र के बाहर कहानियां गढ़ी, इन कहानियों का गढ़ना जो है, ऐसा नहीं कि मैं किसी समीक्षक को कह रहा हूँ, ये हमारी परंपरा का अंग है कि हम चीज़ों के बाहर कहानी गढ़ते हैं। हम अगर गणेश जी की एक मूर्ति देखते हैं तो उसको मूर्ति को हम तारीफ करें, उसके गुण को देखें, उसकी प्रशंसा करें, बजाय इसके हम आँख बंद कर लेते हैं। हम कभी नहीं पूछते हैं कि भाई हमने आँख बंद करके कौन सी कला देखी आपने, हमारी पूरी परंपरा आँख बंद करके देखने की कला है। अगर मूर्ति देखे होते और अगर मूर्ति देखते हुए हम बात करते हैं कि भाई ये जो मूर्ति है, इसका ये जो गणेश जी हैं, इसको देखते हमें याद आता है कि ये तो शिव और पार्वती के संतान है, और ऐसा किस्सा हुआ था कि इनके गर्दन काट दिए गए थे तो उन्होंने एक हाथी का गर्दन लेके बैठा दिया। आप सोचिए कि कहानी कहीं लिखी नहीं है, चित्र में गणेश जी के पैर के नीचे ये कहानियाँ नहीं लिखी है, लेकिन हमने ये कहानी आयात की है, हम बचपन से उस कहानी के साथ बड़े हुए हैं, और कहानी के साथ बड़े होकर जहाँ हमने गणेश को देखा, हमने गणेश को देखा नहीं, हमने गणेश की कहानी को उस मूर्ति में शिनाख्त किया, हमने उसको पहचाना। यही काम समीक्षक कर रहे हैं, समीक्षक हमको बता रहे हैं कि इसमें ये देखिए जो ये बिंदु है ये सिंधु के समान है, और ये जो पूरा जो मसला है ये एक विचारों की तानाशाही की है। आपके पास अगर क्षमता है, आपके पास अगर वो मंच है, आप उन विचारों को मार्केट में छोड़ते हैं, लोगों के बीच में छोड़ते हैं, जिससे इतर आप देखने के आदि नहीं रहते हैं। जबकि मैं मानता हूं कि चित्रकला को, मैं रविन्द्रनाथ की चित्रों के बारे में, उनके विचारों के बारे में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूं, और हम लोग संतोष जी के साथ, मंडली जी के साथ निरंतर इस बात को बात करते हैं कि हमें आज रुक के एक बात को तय करना है कि चित्रकला को अनुभव करें या चित्रकला को समझें, क्योंकि ये कविता नहीं है, ये कहानी नहीं है जिसको समझा जाए, ये चित्रकला है जिसको बेसिकली अनुभव करें, उस तरह अनुभव करें जैसे आप सूर्यास्त का अनुभव करते हैं, जैसे सूर्योदय का अनुभव करते हैं। कोई आपको नहीं बताता इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आसमान में लाल सूरज डूब रहा है इसका अर्थ क्या है, क्योंकि उसके अर्थ हर व्यक्ति के लिए भिन्न होता है। आपकी मनोस्थिति जो उस दिन उस समय की होगी उस हिसाब से आप सूर्यास्त को देखेंगे। सूर्यास्त आपके लिए विषाद भी हो सकता है, सूर्यास्त आपके लिए एक बहुत खुशी का मौका हो सकता है। समीक्षक अगर इसको एक लाइन में कह दे कि ये तो विषाद ही है और सब लोग अगर मान ले तो ये भयंकर गैर लोकतांत्रिक तरीका है। मुझे ये आज़ादी चाहिए, जिस आज़ादी के साथ एक चित्रकार के रूप में मैं पेंटिंग करता हूँ या रचता हूँ, कहानी लिखता हूँ, कविता लिखता हूँ, कुछ भी करता हूँ, आप लोग जो भी, उतनी ही आज़ादी एक दर्शक को, एक पाठक को मिलनी चाहिए। वो फ्री होना चाहिए, उसको मुक्त होना चाहिए कि उस पेंटिंग में उसको क्या देखे, वो मुक्त होना चाहिए इस बात पे कि पेंटिंग को देखते हुए कहे कि भाई बहुत घटिया पेंटिंग है। पर हम आज घटिया पेंटिंग को घटिया नहीं कह सकते, कारण ये है कि हमारे पास इतना फीड इन होता, इतनी व्याख्याएं आ जाती है उसकी, कि हम अच्छे बुरे का फर्क ही भूल गए। आज 2022 में आके
जहाँ पे हम खड़े हैं उसके पीछे 47 के बाद से 22 का, मैं जो युवा चित्रकार हैं मैं ये मानूंगा कि हम लोग आज जो बात कर रहे हैं वो अंतिम नहीं है, हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं एक बात की कि चित्रकला की समीक्षा की चुनौतियाँ। उसके पहले आप लोग सब सोचिए कि चित्रकला के एक भारतीय चित्रकार होने के नाते चित्रकला की क्या समीक्षा है, चुनौतियाँ हैं, क्या हम जो बना रहे हैं वो चित्र बना रहे हैं, हम जो इतनी बड़ी बड़ी व्याख्याएं करते हैं एक चित्र को बनाने के बाद, और ये अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हमारे समीक्षक, हमारे क्यूरेटर, हमारे और भी जो लोग हैं वो व्याख्या करके दे रहे हैं, क्या ये उचित है? चित्रकला के साथ जो अंतर संबंधों की बात होती रही है कि ये आवाजाही अंतर संबंध, जैसे अभी विनय भाई ने कहा कि चित्रकार को संगीत सुनना चाहिए, चित्रकार को नाटक भी देखना चाहिए, चित्रकार को कविता भी पढ़नी चाहिए, मैं कहता हूँ कि चित्रकार को क्यों पढ़नी चाहिए, हर इंसान को पढ़नी चाहिए। चित्रकार कोई विशिष्ट प्राणी हो ही नहीं सकता, अगर वो विशिष्ट हुआ तो वो चित्रकार नहीं रहेगा, वो कभी भी अपने चित्र में दो बातें होनी चाहिए जो कि मैं मानता हूं जो कि नहीं हो पाती, एक चित्र जो अपने स्वामित्व से और अपने संदर्भ से मुक्त होना चाहिए तभी वो चित्र है। अगर आप चित्र के सामने खड़े होके एक चित्र को आप देख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा, बगल में कोई कहे कि भाई साहब ये पिकासो का है और 9 करोड़ की पेंटिंग है, तो आपका देखना खत्म, आप 9 करोड़ देख रहे हैं, आप पिकासो को सुन रहे हैं, आप पेंटिंग नहीं देख रहे हैं, और हम लोगों ने देखा ही नहीं, हम लोगों ने बचपन से देखो के बड़े हो गए हमने चित्र देखना नहीं सीखा। जो खामोशी, जो जिसे कहते हैं कि साइलेंस की जरूरत है पेंटिंग को देखने पे, वहां बाजार का शोर जो है हमें घुटन भरे मोहन पैदा कर, इतना शोर, आप सोचिए कि समीक्षा के नाम पे एक पूरी कला, हिंदुस्तान की कला इस बात पे जीती रही कि भाई वो जो शेयर मार्केट बना था जिसमें शेयर के 4-4 पन्नों में, अखबार में आपने देखा होगा कि 4-4 पन्ने शेयर के आते थे आज का भाव, जब अखबार को लगा कि भाई ये ज्यादा पैसा देगा उन्होंने समीक्षाएं काट दी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी को नहीं। आज प्रयाग जी, विनोद जी, जितने भी समीक्षक हैं इन लोगों को मैंने 70-80 के दशक में नियमित पढ़ा है, मैं कानपुर में रहता था वहां पढ़ के मैं बड़ा हुआ, पर आज जो कलाकार कानपुर में है या उज्जैन में है, देवास है, उनको पता नहीं है कि पंजाब में क्या हो रहा है, मद्रास में क्या हो रहा है। आज जो एक विच्छिन्न जो मामला है कि हमें पता ही नहीं कि दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, और धीरे 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 हमने चित्रकला के मामले में, चित्रकला के क्षेत्र में एक भयंकर संकीर्णता पैदा कर ली। हम अपने को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम बिहार के कलाकार हैं, हमको आइडेंटिफाई करते हैं कि हम मध्य प्रदेश के कलाकार हैं, इससे दुर्भाग्यजनक स्थिति चित्रकला में कहीं नहीं हो सकती। पिकासो स्पेनिश थे, स्पेन में पैदा हुए थे, 19 साल की उम्र में वो फ्रांस चले गए, उनकी मृत्यु फ्रांस में हुई और उनका उनकी समाधि भी फ्रांस में है, उनके लिए कोई समस्या नहीं कि कहाँ देश में है, क्या देश में है। आज हमारे लिए समस्या है, मैं संतोषी से बात कर रहा था इस विषय पे। देखिए, उन्मुक्त हुए बगैर, स्वतंत्र हुए बगैर आप चित्र रचना नहीं कर सकते। आज वैन गॉग म्यूजियम में सामने जब खड़े होंगे, जो अभी विनोद जी ने कहा, आपके दिमाग में कभी ये आएगा कि ये इतनी लंबी कतार लोगों की लगी है, कोई चीनी है, कोई जापानी है, कोई अमेरिकन है, ये भाई क्यों आए हैं, किसकी कृति देखने आए हैं? आपको कहेंगे वैन गॉग के, वैन गॉग की चुनौतियाँ क्या थी? वैन गॉग ने कभी सोचा था कि जो मेरा दोस्त है इसलिए मेरा दोस्त वो ब्राह्मण है या दूसरी धर्म का है या ये मांस खाता है या कि ये वेजिटेरियन है? उनके विचारों में ये नहीं था, उसके लिए ये नहीं था कि लाल रंग का मतलब ये होता है, हरे रंग का जो इस धर्म के साथ संबंध है। उस उन्मुक्त कलाकार के लिए संभव है कि आप एक पोटैटो ईटर बना सकते हैं, 2000 साल के हिंदुस्तान की चित्रकला के इतिहास में एक भी पोटैटो ईटर नहीं है, एक भी वैन गॉग नहीं है। चुनौती इस बात की है, एक सभागार में एयर कंडीशन रूम में बैठ के हम लोग एक सेमिनार कर सकते हैं, ऐसे सेमिनार रोज हो सकते हैं, लेकिन हमारी समस्याएं समाधान नहीं होंगी। हमें जड़ पे जाके सवाल पूछना पड़ेगा, एकदम रूट पे जाके कि कहाँ हमारी गलती हुई है। हम उन चित्रों को चित्र मानते हैं जो कि चित्र नहीं बने, जो मैंने पहले शुरुआत की, पर कितने समीक्षकों ने हमें बताया कि हमारा इतिहास चित्रकला का इतिहास ही नहीं है। या तो हर चित्र के जरिए कहानी गढ़ी गई है और कहानी और व्याख्याओं के जरिए उस चित्र का इस्तेमाल किया गया है धर्म के प्रचार में और राजसत्ता के प्रचार में, आज भी चल रहा है, तो कोई नई बात नहीं है। हमें इस जगह से अपने को मुक्त करना है, क्योंकि चित्रकला, अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा कि एक चित्र
अपने आप में चित्रकला और चित्र अपने आप में इतनी समर्थ होती है कि समय के गुजरने के साथ साथ अपने समस्त संदर्भों से वो मुक्त हो जाती है, समस्त व्याख्याओं से मुक्त हो जाती है। आज जो राजा भोज की मूर्ति है, जब हम उससे बगल से गुजरते हैं तो हमें किसी को, शायद बहुत लोग हैं जो राजा भोज के इतिहास को नहीं जानते हैं, जबकि उसके प्रचार के नीचे लिखा है राजा भोज। आज हमारे चित्रकार साथी से मेरी बात हो रही थी, उनने कहा था कि ये जो मूर्ति है ना, ये इम्बैलेंस है, ये परफेक्ट नहीं है, ये कला है। राजा भोज चले गए, अब हम मूर्ति की बात कर रहे हैं। जिस दिन हम एक मूर्ति की बात राजा भोज के संदर्भ से कट के करेंगे, उस दिन हम सही मायने में उस चुनौती के सामने खड़े होंगे। धन्यवाद। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि आप सब लोग भी बड़ी दत्तचित्त होकर सुन रहे हैं, और हमारे इस विमर्श में मुझे लगता है कि एक मौन सहभागिता आपकी भी हो रही है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। तो बहरहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे विषयों पर ऐसे गंभीर विमर्शों में इस तरह का तादात्म्य प्रायः होता नहीं है, लेकिन विश्व रंग ने यह संभव किया और विश्व रंग ने इसे ज़रूरी पाया है। मैं प्रयाग जी, बिल्कुल आप 2 मिनट ले सकते हैं, उसके बाद में अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए रविंद्र जी और आदरणीय संतोष चौबे जी भी हस्तक्षेप करेंगे। जी, मैं काफ़ी विचार उत्तेजन हो गया है अशोक जी के बोलने के बाद, इसलिए मुझे कुछ कहना ज़रूरी लग रहा है। जो भी वो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, पर मैं ये भी कहूँगा, वैन गॉग का उदाहरण बहुत बड़ा है, मैं खुद मानता हूँ कि उसने, वो एक नक है। पहली बात तो मुझे ये कहनी है कि समीक्षा मात्र जो है किसी भी विधा की हो, उसकी एक भूमिका होती है, बड़ी भूमिका होती है, पर एक मात्र नहीं होती। वैन गॉग को भी किन लोगों ने बनाया है, समीक्षकों ने, उसके परिवार में ने, उसकी अपनी चिट्ठियों ने, उसके प्रकाश में आने से। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस पर मेरा एक लेख ही है, किसी को आप बड़ा नहीं बना सकते, समीक्षा तो कभी नहीं बना सकता, बनाता समाज है। छलनी मैंने लिखा था कि अगर उस छलनी में, जैसे आज देखिए क्या है, कला गैलरीज, म्यूजियम्स, क्रिटिक्स, बायर्स, सब मिलकर जब तय करते हैं, ऐसा नहीं है आप अशोक जी, जितना मैं समझ पाता हूँ, उसमें दर्शकों की भी बहुत बहुत बड़ी भूमिका है। मैं पर्सनल उससे जानता हूँ कि बिना किसी इसके प्रचार के, अम्बा एक उदाहरण देता हूँ और ये आखिरी बात है मेरी, अम्बादास जी, उनकी जन्म शतवार्षिकी है, इतने बड़े कलाकार, मैंने उन पर बहुत लिखा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि अभी, और वो देखिए कोला से आए थे, नॉर्वे चले गए। एक कलाकार का जीवन भी बहुत कुछ हो सकता है, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, अंत में तो उसका काम। मैं समझता हूँ कि एक कला समीक्षक का काम भी ये है कि उसको वहाँ चिन्हित करे। जामनी रॉय, उनको बहुत बड़ा उदाहरण मैं मानता हूँ, जामनी रॉय अपने, विष्णु दे ने जो उन पर लिखा, इसके बाद विनोद जी कह रहे थे, विष्णु दे से अच्छा है आप जामनी रॉय पर किसी ने नहीं लिखा, ये बंगला के कितने बड़े कवि थे। तो अब उस समीक्षा का एक अर्थ तो है, जामनी रॉय तो उसके बिना भी जामनी रॉय थे, उनका मार्केट भी था, लेकिन विष्णु दे का लिखा हुआ आज भी न केवल प्रामाणिक है, वो बहुत मदद करता है। तो ऐसी कुछ बातें हैं, वैसे बहुत सारी बातें कहने की हैं। एक दिन मैं चाहता हूँ कि कभी अशोक जी का और मेरा जी टैगोर विश्वविद्यालय, एक जो चौबे जी बैठे हैं, कि हमारा सचमुच बहुत अच्छी चीज़ होगी वो, कि दो लोग बैठकर संवाद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसलिए भी 2 मिनट लिए हैं आज, कि अभी पूरी पूरी बात नहीं हुई, अभी मुझे बहुत सारी बातें करनी है अशोक जी से, और इनको मुझसे करनी है। जी हम महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं, और दरअसल नहीं, लेकिन अशोक भौमिक जी ने एक बात जो कही थी अपने वक्तव्य में, बहुत महत्वपूर्ण थी, और उन्होंने कहा था कि ये कोई बिल्कुल पूरी तरह से होने वाला विमर्श नहीं है, ये सिर्फ चिंगारियां हैं जो आप सब तक पहुंचाई जा रही हैं, और निश्चित रूप से हम लगातार ऐसे संवाद करते रहें। तो भौमिक जी ने ये पहले ही कह दिया, और निश्चित रूप से स्वागत है, प्रयाग जी का स्वागत है, कि हम ऐसी बैठक होता हुआ देखें और हम सब लोग वहाँ से सुनें और अपने सवालों के साथ फिर पेश आएँ। बहरहाल सर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप आएँ, उसके बाद रविंद्र त्रिपाठी जी को अध्यक्ष उद्बोधन के लिए आमंत्रित करें। मित्रों, बहुत शानदार बहस चल रही है और बहुत अच्छी बातें भी कही जा रही हैं। मैं एक जो चुनौती का जिक्र नहीं किया गया उसके बारे में कहना चाहता हूँ, वो चुनौती टेक्नोलॉजी की चुनौती है, और पेंटिंग के संदर्भ में बहुत ही वैलिड चुनौती है, हालांकि वो साहित्य के संदर्भ में भी है, क्योंकि भाषा जिस तरह की बन रही है,
ब्लॉगिंग की जैसी भाषा बन रही है, जिस तरह से गति बढ़ गई है, तो उससे भी साहित्य पर बहुत सारा प्रभाव पड़ रहा है। और जो विजुअल और बिंब कभी मुक्तिबोध जी के समय में बन जाया करते थे, वैसे दृश्य ने पूरी तरह से घेर लिया है और बड़े कुहासा जैसा है, तो वो चुनौती भाषा के संदर्भ में है। और पेंटिंग में आप कंप्यूटर ग्राफिक्स की तरह जैसे काम हो रहा है उसको इग्नोर करके अब पेंटिंग पे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, मतलब एक दिक्कत ये है। एक समय में जब मैकेनिकल रिप्रोडक्शन शुरू हुआ था तो वॉल्टर बेंजामिन ने ये आर्टिकल लिखा था कि आर्ट इन द एरा ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन। नाउ आर्ट इन द एरा ऑफ कंप्यूटर बेस्ड रिप्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक रिप्रोडक्शन, वो म्यूजिक को भी प्रभावित करता है, उसकी गति को भी प्रभावित करता है, दृश्य को भी प्रभावित करता है। तो हमें टेक्नोलॉजी को अकाउंट करना पड़ेगा, ये एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सी बातें और भी कह सकता हूँ। दूसरी बात, मैं भौमिक जी के संदर्भ में भौमिक जी ने काफ़ी उत्तेजना पैदा की, जैसा कहा गया खंडवा में जो विश्वविद्यालय में वो बोले थे उस समय भी मैंने उनसे बातचीत की थी, और इसका एक प्रतिपक्ष भी है जो वो कह रहे हैं। उनके बहुत सारे जो निष्कर्ष हैं वो चकित करते हैं, बहुत बहुत अच्छे संदर्भ भी प्रस्तुत करते हैं। पर मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूँ कि क्या आप चीज़ों को उनके संदर्भ से काट के कला की बात कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कर सकते। हमारा देश और सारे देश और मानव समाज के बहुत सारे समूह एक आख्यान से ही बने हुए हैं। आप जब संगीत पे बात करेंगे तो क्या आप मंदिरों को छोड़ सकते हैं? आप शास्त्रीय संगीत पे जब बात करेंगे तो क्या आप भक्ति संगीत की पूरी धारा को छोड़ सकते हैं? तो क्या उन संदर्भों को अपने मन से निकाल सकते हैं? मुझे नहीं लगता है कि हम भारतीय संगीत की बात करते समय या रागों की बात करते समय उनको जो नॉमिनेचर उनको दिया गया, नामकरण दिया गया, उनको जो प्रहर प्राप्त हुए, उनके जो भाव उनको मिले और पूरे प्रकृति से जोड़ा गया, इस तरह से माफ करेंगे, हम लोग एक समय में मजाक किया करते थे कि जो लेफ्ट का रास्ता है वो असल में सर्कुलर है, अगर आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट में जाएंगे तो राइट में निकलेंगे। ये हम लोग मजाक किया करते थे, और मुझे लगता है कि राइट में ना निकले मतलब संतुलित दृष्टि देखा जाए, संदर्भों से आप कला को काट के नहीं देख सकते। हमें ईश्वर महत्वपूर्ण है, हमें ज़रूर भक्ति का और भक्तिकालीन संगीत का और इस तरह से देखना पड़ेगा। और इस पर भी जैसे जब भाई साहब बहस करेंगे प्रयाग जी से तो मैं भी उसमें शामिल होगा। हम लोग खूब और मंडे हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे और बातचीत करेंगे। इसी तरह से आप भी गए थे, विनोद जी भी थे, हम लोग रामचंद्रन जी से मिलने गए, उन पर हमने मोनोग्राफ निकाला। अब देखिए ये बात थोड़ी चौंकाऊ हो सकती, रामचंद्रन कह रहे हैं कि टैगोर पेंटर नहीं थे, रामचंद्र जी कह रहे हैं कि टैगोर बहुत बड़े जीनियस थे, उसका एक रिफ्लेक्शन पेंटिंग्स में भी है, लेकिन उस तरह से उनको पेंटर, अब रामचंद्रन के दिमाग में घुसना पड़ेगा, रामचंद्रन खुद कितने बड़े पेंटर हैं और वो खुद कितनी बात कह रहे हैं, और भौमिक जी ने उनका मोनोग्राफ पब्लिश किया है, तो चीज़ें एकांगी और एक पक्षी नहीं हो सकती हैं, बहुत तरह से उनको देखने की ज़रूरत है, यह मुझे कह रहा। और सर अंतिम बात जो मैं अब, क्योंकि मुझे थोड़ा मौका मिला तो दो मिनट हो गए, हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में क्या करना चाह रहे हैं? भौमिक जी ने बहुत अच्छा, भौमिक जी मेरे बहुत गहरे मित्र हैं, मुझे पेंटिंग की दृष्टि उन्हीं से प्राप्त हुई है, जॉन बर्जर उन्होंने मुझे भेंट किया था कुछ दिनों पहले समझने के लिए, बहुत सारी किताबें उन्होंने मुझे दी हैं, मैं देखता भी हूँ। तो ऐसा पेंटिंग में ही नहीं है, साहित्य में भी ऐसा ही है कि आलोचक जो है वो बताता है कि ये आदमी अच्छा है या बुरा है, जबकि आस्वाद को बताना चाहिए कि लेखक अच्छा है कि बुरा है। तो हम तो साहित्य में ये काम लंबे समय से करते ही आ रहे थे, ये जो आपने कहा ना कि पेंटर के पास जाके देखना है, ऐसे लेखक के पास जाके देखना है कि उसने रॉ मटेरियल कैसा बनाया है और अभी किस स्टेज रचनात्मकता के किस स्टेज में वो है, वो मिट्टी बना ले रहा है, चलो मिट्टी से अब घड़ा बना ले रहा है,
अब मिट्टी से वो सुराही भी बना सकता है, अब वो पॉलिश भी कर लेता है, जैसा लोगों को शामिल करने का था वही काम हमने पेंटर्स के साथ में भी किया है। ये बिल्कुल सही है कि आर्ट गैलरीज ने इस कदर लोगों की दृष्टि खराब की है और बाजार इस कदर घुसा हुआ है, तो जो साहित्य में था वो भी था, लेकिन पेंटिंग में बहुत ज़्यादा साफ है, वो बाजार वहाँ ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो 1000 नए लोगों ने अपनी पेंटिंग भेजी हमारे यहाँ, हमारे फुलेरी जी बैठे हैं और सब लोग बैठे हैं। सर, युवाओं में रचनात्मकता इतनी ज़्यादा है इस समय और देश में एक तरह का विस्फोट है, आप इस सबको भूल जाइए, मतलब आप बड़े शहरों से बाहर निकलिए, जो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, आप जाइए नीचे और देखिए कि किस तरह से लोग लिख रहे हैं, कर रहे हैं, गा रहे हैं, नए बच्चे क्या क्या क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने ये पेंटिंग नवयुवकों की और साथ में मोनोग्राफ्स का भी काम शुरू किया है। ऐसा करते समय बड़ों को न भूल जाना और उनको देखो भी। रामचंद्रन ने ये बात कही कि भैया मैं मलयालम में नहीं लिखवाना चाहता अपनी समीक्षा, मुझे हिंदी में अगर लोग जाने और पूरे देश में लोग जाने तो ये ज़्यादा बड़ी बात होगी। इसको देखिए, हमने उन लोगों को जैसे अफजल को चुना है या नैनसुख को चुना है, तो ये मोनोग्राफ वो हैं जिनको जानना ज़रूरी है। तो साहित्य में भी वही, ब्लर्ब को पढ़ के किताब पे बोल दो, और कई बार तो ब्लर्ब भी मत पढ़ो, क्योंकि तुम बड़े आदमी थे, कार में आए थे, तुमने कुछ बोल दिया वो मान ही लेगा। तो इस तरह से तो समीक्षा साहित्य की होती रही। वैसे ही नाटक की और भी बुरी हाल है, समीक्षक तो हॉल में ही नहीं आता, वो बाहर से ही मान लेता है कि नाटक देख लिया उसने, और तो कुछ देख लेता कैसा है। संगीत में भारी कंफ्यूजन, मालूम ही नहीं कि क्या गाया गया, क्या राग कौन सा था, है ना। आपने किसी ने बोला, कभी कभी गलत राग सुन के बोल देते, गलत राग कुछ बोलते और बड़ी इसकी भावनाएं प्रस्तुत कर देते। तो संगीत में भी वही है, नाटक में भी वही है, और बहुत जगहों पे वही है। और मुझे लगता है कि समीक्षकों के ऊपर भी थोड़ी बातचीत कभी करना चाहिए। धन्यवाद। बात हालांकि जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि चित्रकला पर फोकस हो गई है, और बात दरअसल हम पूरी कलाओं की करना चाहते थे, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर अशोक भौमिक जी बैठे हैं, विनोद जी बैठे हैं, प्रयाग जी बैठे हैं, और इस बिरादरी में ज़्यादातर पेंटर्स बैठे हैं, तो वो एक पूरा का पूरा कॉर्नर बड़ा अलग बन गया है। लेकिन संतोष चौबे जी ने इशारा किया संगीत के प्रति, रंगमंच के प्रति, और हम उम्मीद करेंगे कि जब हम अगली बार ये दूसरा सत्र कभी करें कला समीक्षाओं का, तो उसमें तमाम विधाओं को भी शामिल करें। लेकिन बहरहाल स्वागत है कि ये चिंताएँ कम से कम चित्र के आसपास भी इतनी उभर कर आई और एक नया उद्वेलन पैदा हुआ आज के सत्र में, तो हम इसको बहुत सार्थक मानते हैं। हस्तक्षेप बहुत सारे लोग कर सकते हैं ऐसा मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो अब मैं रविंद्र त्रिपाठी जी को माइक्रोफोन सौंपता हूँ, और रविंद्र जी तमाम विधाओं में बहुत आप तमाम विधाओं में आवाजाही करते रहे, इसलिए कि मैं ये सब कहूँगा तो फिर आपके भीतर से जो गहरा राग अनुराग निकलेगा इन चीज़ों को लेकर। तो बहरहाल अध्यक्षीय खामोशी हम सब देखते रहे, लेकिन ये खामोशी अब मुखर होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनय जी, चौबे जी, प्रयाग जी, अशोक जी, विनोद जी, सुदीप जी। जैसा कि शमशेर ने कहा है, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक चली गई और जानी भी चाहिए, क्योंकि देखिए जब किसी एक विषय पर बात करते हैं और जब विचार की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसका दायरा बढ़ता जाता है और वो सीमित नहीं रहता किसी एक बिंदु पर। तो फैल चुका है, मैं थोड़ा उसको समेटने की कोशिश करता हूँ, हालांकि अपने सीमित ज्ञान के आधार पर ऐसा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा मैं नहीं जानता, लेकिन जब भी मैं बोलता हूँ या लिखता हूँ, लिखने की कोशिश करता हूँ, सोचने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे दो पंक्तियाँ जो हैं, वैसे बहुत चीज़ें याद आती हैं पर वो मेरा मार्गदर्शन का काम करती रही है। एक तो तुलसीदास रामचरितमानस लिखा, और रामचरितमानस राम के बारे में है, लेकिन बालकांड में ही रामचरित तुलसीदास ने लिखा राम के चरित्र के जन्म के बारे में। आप लोगों ने बहुतों ने पढ़ा होगा कि राम जन्म कही कारण हुई, इद मिथम कही जाई न कोई। इद मिथम एक पदावली है, उसका मतलब है ऐसा ही
यही वजह है या यही कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। दूसरी पंक्ति गालिब की है कि आ गही दामे शुनिदन, जिस कदर चाहे बिछाए, मुद्दा अंका है अपने आलमे तकरीर। इसकी भी व्याख्या बहुत हुई है, लेकिन कुल मिलाकर के मुद्दा अंका है, काल्पनिक पक्षी है। पर काल्पनिक पक्षी क्यों कहा, या तुलसीदास ने इतमिठम क्यों न कहा? क्योंकि आप जिस तरह से बात शुरू करते हैं, वो धीरे धीरे एक ऐसे लोक में पहुंचता जाता है जिस पर कलाकार की नहीं बल्कि आलोचक की भी पकड़ नहीं रहती है, उसकी आकांक्षा बढ़ती जाती है, उसकी चाह बढ़ती जाती है। कल बहुत अच्छा अन्नपूर्णा जी पर कार्यक्रम हुआ यहाँ, बहुत उत्तम कोटि का था, मुझे हमेशा याद आया। याद कैसे रहेगा? आनंदवर्धन जो हमारे भारतीय आलोचना के केंद्रीय पुरुष रहे हैं, ध्वनि सिद्धांत जिनका ग्रंथ है, आनंदवर्धन ने ध्वनि की परिभाषा की। उन्होंने एक सूत्र का कहा कि क्या है कविता, या कविता के संदर्भ में है बेसिकली, कि मूल क्या है, कौन सी चीज जीवित रहती है, तो उन्होंने ध्वनि कहा। और ध्वनि कहा है, ध्वनि क्या है? ध्वनि जब आप किसी कलाकृति को सुन लेते हैं, किसी गीत को सुन लेते हैं, किसी संगीत को, तो आपके दिमाग में जो अनुरणन होता है वही ध्वनि है। कोई भी कलाकृति संगीत में हो, साहित्य में हो, वो आपके दिमाग में जब बजती रहती है उसी से लगता है कि वो कला महत्वपूर्ण है। कितना भी कोई आलोचक लिख ले, बहुत आलोचक बहुत खराब लिख रहे हैं पर बहुत अच्छे भी लिख रहे हैं, बहुत कलाकार बहुत खराब भी बना रहे हैं पर बहुत अच्छे भी बना रहे हैं। जो चीज़ अच्छी होती है उसको समय जो है जज करके बता देता है कि यही चीज़ अस्थाई है या चिरस्थाई है। मैं अभी पढ़ रहा था, बहुत अब जितनी बातें हो चुकी हैं सबको समेटना मुश्किल है, तो मैं बहुत बिंदुवार समेट रहा हूँ, और अध्यक्ष की यह सुविधा हो जाती है कि सभी बातों को निचोड़ करके पेश कर दे और उसकी जिम्मेदारी खत्म भी हो जाती है। तो अभी दो उपन्यास, कविता की काफ़ी बातचीत हुई, दो उपन्यास कलाओं के बारे में बहुत पहले लिखे गए हैं। एक तो ओरहान पामुक का उपन्यास है माय नेम इज रेट, जो तुर्की है या इसको ओटोमन एम्पायर का था, उसमें जो मिनिएचर आर्टिस्ट उस पर वो केंद्रित है, और वो एक क्राइम नॉवल भी है। उसमें एक मिनिएचर आर्टिस्ट जो है दूसरे मिनिएचर आर्टिस्ट की हत्या करता है। किसने हत्या की बड़ा है, लेकिन हत्या की वजह क्या है उसमें बहस है, बड़ा जबरदस्त बहस है। और बहस क्या है, जो संगीत में भी है, किसी भी कला में चर्चा वो होती रहती है, जो अभी भी जो हो रहा है कि कला क्या है। इतना आसान कोई निष्कर्ष दे देना कि सबकी सहमति बने संभव ही नहीं होता है, उसमें डिबेट है। डिबेट यह है कि उसमें जो लोग मिनिएचर आर्टिस्ट थे, जो बड़े बड़े वहाँ ऑटोमन एम्पायर के जो बड़े पाशा थे या सुल्तान थे, उनके यहाँ चित्र बनाते थे, उसमें एक बहस थी कि कला क्या है। क्या कुछ इसमें एक बहस है कि जो अल्लाह जो सोच रहा है या अल्लाह ने जो सोचा है उसी की अभिव्यक्ति कला है, उसी को मिनिएचर में आपको पेश करना है। और जो लोग अपनी मौलिकता लेते हैं, मौलिक वो कला नहीं है बल्कि वो कुफ्र है आज की भाषा में कहा जाए, इसीलिए हत्या भी होती है उसमें। और उसमें देखिए, उसमें एक अभी बात हुई ना कि बिना देखे, उसमें भी एक बड़ा बुजुर्ग कलाकार है जो 90 साल का हो चुका है, वो निर्णायक करता है कि कला कौन सी अच्छा है, तो वो अंधा हो चुका है पर उसको लगता है कि वो जिस कलाकृति को देख रहा होता है, जो नहीं देख रहा होता है क्योंकि वो अंधा हो चुका है, पर उसको लगता है कि इसमें अल्लाह की बात की अभिव्यक्ति है इसलिए श्रेष्ठ है, बाकी जो है वो श्रेष्ठ नहीं है। तो कन्फ्लिक्ट भी कला में हमेशा रहा है। और जो दूसरा उपन्यास है किलिंग कमेंटेटर, जो मेरे बहुत प्रिय उपन्यासकार हारुकी मुराकामी का उपन्यास है, उसमें भी एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट है, वो पत्नी से लड़ाई हो जाते हैं, कहीं जाता है, एक दूसरा आदमी उसको अपनी बेटी का पोर्ट्रेट बनाने के लिए कहता है, और इसमें डिबेट शुरू हो जाता है उसमें नाजीवाद पर और फिगरेटिव आर्ट पर, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पर, बहुत ज़बरदस्त बहस है। इतना बड़ा मुराकामी इतना लंबे लंबे लिखता है, उसको संक्षिप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कई बार तो समझना ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसका फैलाव बहुत है। उसका एक उपन्यास 1Q84 जो है वो तो 1300 पृष्ठों का उपन्यास है।
और इतना दिलचस्प मुझे लगा था कि अक्सर मैं 20-25 पेज ही एक दिन पढ़ पाता हूँ, पर उस उपन्यास को जो 1350 का है मैं 13 दिन में पढ़ गया था, लगभग 100 पेज रोज पढ़ता था। बात जो अशोक जी ने कही, प्रयाग जी ने कही, विनोद जी ने कही, सुदीप जी ने कही, विनय जी ने कही, संतोष जी ने कही, आप सब जो तालियां बजा रहे थे उनके मन में भी जो बातें हैं, उन सारी दृष्टियों को एक साथ संयोजित करना भी कला आलोचक का धर्म है। जो संगीत की धर्म की बात करते हैं, आलोचक का भी एक धर्म होता है। धर्म क्या है? धर्म की कई परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा यह है कि जो आप धारण कर सकते हैं वो धर्म है। तो धारण क्या करना है आलोचक? आलोचक कई चुनौतियों में जीता है, जिसमें एक चुनौती है उसका अपने से संवाद। एक संवाद तो कलाकारों से होता है, उसका होना भी चाहिए, कलाकारों के साथ बातचीत, उठक बैठक जो है वो भी चलनी चाहिए, पर वो आलोचक बड़ा नहीं हो रहा है जो आत्म संवाद न करे। तो आलोचक को, अगर वो अच्छा आलोचक है, और दुनिया में अच्छे आलोचक बहुत कम हुए हैं, सैद्धांतिक आलोचक भी और व्यवहारिक आलोचक भी जिसको हम मानते हैं, ऐसे अरस्तु, और आलोचना में कई बार हजारों वर्षों तक बहस चलती है और हजारों वर्षों के बाद एक आलोचक आता है और दूसरे को कह देता है कि नहीं, ये अरस्तु के साथ हुआ। अरस्तु का कैथारसिस जो है वो कई हजार साल से चल रहा है कि नहीं, कला को देखते हैं तो हमारे भीतर क्या होता है, संगीत को, नाटक को देखकर। तो अरस्तु ने कहा कि नहीं, कैथारसिस होता है, विरेचन होता है, क्योंकि तो हमारे भीतर जो है वो कहीं जाकर के फूट करके बहता है। इसलिए सारे सिद्धांत, नाटक के सारे सिद्धांत वहां से निकले। ग्रीक कॉमेडी कहते हैं, आप एक्टर को कैसा होना चाहिए, अगर राम का अभिनय कर रहा है तो उसको राम की तरह होना चाहिए, ये धारणा 2000 साल तक चली। एक व्यक्ति आया जो नाटककार भी था और आलोचक भी था, बर्टोल्ड ब्रेस्ट। उसने कहा कि नहीं, विरेचन नहीं होता है, सिर्फ विरेचन नहीं होता है। उसने एलिनेशन इफेक्ट कहा कि आप राम का अभिनय करते हैं तो दर्शक को यह नहीं लगना चाहिए कि आप राम का अनुभव कर रहे हैं, दर्शक को यह लगना चाहिए कि आप राम की एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप उससे अलग होते हैं, उससे दूर जाते हैं। ये आलोचना, दोनों चीजें चल रही हैं। अरस्तु खत्म नहीं हुआ, उसकी धारणाएं अभी भी बरकरार हैं, लेकिन ब्रेस्ट की जो धारणा थी उसको भी बल मिल गया। और जब मैं किसी कलाकृति को देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, मैं तो बहुत अदना सा आदमी हूँ, मुझे दोनों ही चीज़ें याद हैं, अरस्तु भी और ब्रेक्ट भी। और मुझे लगता है कि एक आलोचक का कर्तव्य यह है, उसका धर्म यह है कि वो देखे कि जो मेरे भीतर हो रहा है वो क्या दर्शकों के या पाठकों के या उसके भीतर भी हो रहा है, और वो हो रहा है वो हो कैसा रहा है, इसकी भी बड़ी व्याख्या हो सकती है, उसमें मैं सिर्फ सूत्र बता रहा हूँ। तो आलोचक की बुनियादी जिम्मेदारी जो है, अगर बहुत शॉर्ट करें, विस्तार से तो बहुत बातें की है, तो एक तो उसका संवाद कलाकारों से ही चलता है, पर अगर उसमें आत्म संवाद नहीं है तो वो बड़ा आलोचक नहीं हो सकता। बड़ा आलोचक होने के लिए अपनी धारणाओं से भी या समाज में जो व्याप्त धारणाएं चली हुई हैं उनसे भी बाहर निकलना पड़ता है। जैसे कि अभी अशोक जी ने भी कहा और चौबे जी ने भी कहा कि कई धारणाएं चल रही हैं, और एक धारणा तो हमारे समाज में व्याप्त है कि हर कला में भारतीयता को खोजा जाए, अगर भारतीयता नहीं है तो पूछ रहे भाई आप पिकासो की बात करते हैं, आप फला की बात करते हैं, सरेलिज्म की बात करते हैं, भारतीय कला कहाँ है इस पर? भारतीय कला भी क्या है? खुद अशोक जी ने कहा भारतीय कला भी बड़ा ये है, मॉडर्न भी है, रजा सुजा हुसैन भी आर्टिस्ट है, लेकिन जो गांव कस्बों में फैले हुए हैं वो भी आर्टिस्ट। भारतीय कला को समझना या व्याख्यायित करना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो उन्मुख जी समाप्त नहीं कर रहा हूँ विनय जी, तो कुल मिलाकर के मित्रों दो शब्दों में या दो पंक्तियों में बात यह है कि कला आलोचना की जो बुनियादी चुनौती है वो ये है कि आप कला और कलाकार के साथ विनम्र के सामने विनम्रता से जाते हैं, लेकिन वहाँ से जो मिलता है उसको आपको
सोचना भी पड़ता है, और सोचने की जो प्रक्रिया होती है वो एक बार में नहीं होती, वो निरंतर चलती रहती है, कई बार पूरे जीवन भर चलना पड़ता है। आपने अपनी धारणा बना ली, धारणा किताबें पढ़ ली, आखिर एक आलोचक दूसरी आलोचना को, दूसरे की आलोचना को तोड़ता भी है। रामचंद्र शुक्ल बड़े आलोचक हैं, हजारी प्रसाद जी ने कहा कि नहीं कबीर भी हैं, नहीं समझ पाया रामविलास शर्मा मुक्ति बोध को, दूसरों लोगों ने समझा। अब ये आलोचक को है कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी जो नजर है उसको भी आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं। रोस्टाया के अन्ना करीना में अन्ना जब मरने लगती है दुर्घटना में, तो उसको खुद अपनी आंख दिखाई देती है। अपनी आंख देखने का मतलब है जिस नजर से आप चीजों को, दुनिया को देख रहे हैं, उस नजर को भी देखना चाहिए कि वो नजर जो है हमारी वो वैलिड है, इतने वर्षों में रही नहीं। दूसरी बात, आखिरी बात, आधे मिनट का, कि अभी कला के बारे में जो सिद्धांत जितने आलोचकों ने बनाए, इस दौर में सब गड़बड़ हो रहे हैं, बहुत गड़बड़ी आ रही है। चौबे जी ने भी उसका इशारा भी किया। अब जैसे कि आज डिजिटल आर्ट आ चुका है, अभी कलाकारों की बड़ी संख्या ऐसी है जो डिजिटल आर्ट कहते हैं, क्या बकवास है, डिजिटल आर्ट कोई आर्ट है? बड़े बड़े भाई मित्र हैं, एक आउटलुक में मेरे मित्र थे गोस्वामी जी, रूपक गोस्वामी, शायद आप जानते होंगे, अशोक जी आप लोग भी जानते होंगे, वो डिजिटल आर्ट ही बनाते हैं। प्रेस क्लब में उनसे मेरी रोज मुलाकात, वो कहता है देखिए डिजिटल आर्ट का ही भविष्य है रविंद्र जी, क्योंकि तो अब पुराने किस्म का आर्ट नहीं चलेगा, ये चीजें चल रही हैं। अभी आलोचक के सामने ये समस्या आ जाती है कि डिजिटल आर्ट का क्या करें, डिजिटल आर्ट बनाना आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान इसलिए कि कंप्यूटर में आपने फिट डाली या बन के उसका प्रिंट निकाली ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन वो कितने लंबे समय तक जीवित रहेगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, ये सोचना भी आलोचक का धर्म है। तो दोस्तों, विनय जी, चुनौतियां बची रहेंगी और हमेशा बची रहेंगी, जब तक सृष्टि है कला आलोचना हर आलोचना की या हर कलाकार के सामने, सिर्फ आलोचक के सामने ही चुनौतियां हमेशा बरकरार रहती हैं। और मेरी शुभकामना है कि इस चुनौतियों के शिकार को बहुत अध्यक्ष हों तो सुझाव भी दे देना चाहिए, नहीं तो वो लोग कहें कि अध्यक्षता क्या की भाई, मतलब आप अध्यक्ष रहे कुछ सुझाव ही नहीं दिया। तो मैं ये सुझाव दे देना चाहता हूँ कि एक कला आलोचना की आप जब भी विश्वरण करें तो हमेशा इस चुनौती को जो है हमेशा इस पर, क्योंकि पिछली बार भी मैं आया था भारत भवन में था तो बड़ा जबरदस्त, वो बहुत ही लाइवली डिस्कशन था, और आज का डिस्कशन भी बहुत लाइवली है क्योंकि कई परिप्रेक्ष्य उतरते हैं और प्रयाग जी ने भी सुझाव दे दिया। और तो एक प्रक्रिया बनी रहनी चाहिए, बनी रहेगी ऐसा मेरा विश्वास है, और अगर संस्थानों में प्रक्रिया न बनी रहे तो कला आलोचकों के बीच भी यह प्रक्रिया बनी रहे, यही मेरी चाहत है, यही मेरी इच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद आप सबका। अली सरदार जाफरी ने कहा है कि गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले, तो बात से बात चलती रहेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत धन्यवाद विनोद भारद्वाज जी का, रविंद्र त्रिपाठी जी का, अशोक भौमी जी का, प्रयाग शुक्ल जी का, सुदीप का, और आप सबका कि आप सब ने इस बहुत महत्वपूर्ण विषय में अपनी भागीदारी बनाए रखी हमारे साथ। कला समीक्षा की चुनौतियाँ विषय पर बेहद समृद्ध करने वाला सत्र जो अशोक भौमिक सर के विचारों के साथ गर्माता भी रहा बीच बीच में। कला समीक्षा एक समंदर है जिसमें रंगमंच, संगीत, चित्रकला, साहित्य, हर लहर में बीचना है, डूबना है, किनारे पर बैठकर ये संभव नहीं है, न्याय संभव नहीं है कला समीक्षा से। और बतौर मीडिया पर्सन एक छोटा सा हस्तक्षेप मेरा ये भी है कि जो दैनिक अखबार हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, यहाँ पर कला समीक्षा का कोना जो है वो लगातार सिमटता जा रहा है, ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो इस सत्र का औपचारिक समापन हम कर रहे हैं। आप सभी का आभार, इतने मनोयोग से आप यहाँ पर बैठे रहे।